तो मैं आपके सामने एक गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, इसमें जो त्रुटियाँ हों उसे क्षमा करना। यस शाबाश। याद रखना सबसे ऊपर एपिथीलियम है। अगर हम अपनी स्किन देखें, सबसे ऊपर एपिथीलियम, नीचे कनेक्टिव टिश्यू, इन कनेक्टिव टिश्यू के बीच से निकल रही हैं ब्लड वेसल्स। जब हम दुखी होकर के एक दिन अपनी नस काटते हैं तब क्या क्या कटता है? स्किन, कनेक्टिव टिश्यू एंड ब्लड वेसल। जैसे ही ब्लड वेसल्स कट जाती है तो ये वो नाली है जो खुल गई, और इस नाली में क्या भर रहा था? ब्लड। और भाइयों बहनों, ये जो ब्लड है ये बाहर निकलने लगता है। इस प्रोसेस का नाम है ब्लड लॉस और ब्लीडिंग। इसी को हम लोग बोलते हैं ब्लीडिंग। बातें करना बंद करोगे तो अच्छा हो। याद रखना, अगर आपकी मरने की इच्छा ज्यादा है तो ऊपर ऊपर ना काटे, अंदर से काटे, क्योंकि ऊपर होती है वेन, नीचे होती है आर्टरी। आर्टरी डायरेक्ट कहां से आई है? हार्ट से। बोलो कहां से? तो उसमें प्रेशर ज्यादा, तो जो लोग दिखावा करते हैं मैं काट लूंगा, वो ऊपर काटते हैं। ये नहीं मरेगा, इसको नहीं बोलना हाय मेरा बाबू मर। ये सब बकवास है। इस तरीके की हरकतें करने वाले लोगों से दूर रहें, बहुत दूर रहें। ये आपका वो समय है जिस समय पर आपको केवल और केवल कहाँ कॉन्सेंट्रेट करना है? स्टडीज। समझे? शान बाबू तुम्हारे बाल नहीं कटे। अब सुनो, अगर बेटा ये ब्लड वेसल्स ओपन बनी रही तो ये ब्लड लॉस होता रहेगा, और अगर ये ब्लड लॉस होता रहेगा तो आपके पास ब्लड एक निश्चित अमाउंट में है। ऐसा तो है नहीं कि अंदर सबमर्सिबल पंप लगा है चलो निकाल दो। सो आपका ब्लड लॉस होने की वजह से हैमरेज होगा और आपकी डेथ भी हो सकती है। तो बॉडी कहती है कि नहीं भाई, हमारे पास एक मैकेनिज्म है और इस मैकेनिज्म की वजह से हम एक टेम्परेरी फिलिंग करेंगे। टेम्परेरी की परमानेंट? टेम्परेरी। और यहां पर हम फाइबर का जाल बनाएंगे। फाइबर का जाल, जितनी जगह पर कटा है उस जगह पर हम फाइबर का जाल बना देंगे। सो नेटवर्क ऑफ फाइबर बन जाएगा, और इस नेटवर्क ऑफ फाइबर में डैमेज्ड सेल, डैमेज्ड ब्लड वेसल्स आकर के, डैमेज खराब ब्लड वेसल आकर के चिपक जाएगी। डैमेज ब्लड वेसल इस जाल को और गाढ़ा कर देंगे, यानी नेटवर्क ऑफ फाइबर और डैमेज ब्लड वेसल आ जाएंगे। डैमेज ब्लड वेसल्स और नेटवर्क ऑफ फाइबर ने मिल करके एक पपड़ी बना दी। हम लोग इसी को, हम लोग हिंदू हैं तो, मतलब सॉरी, हम लोग हिंदुस्तानी हैं तो हम लोग पपड़ी शब्द ज्यादा यूज करते हैं, हिंदी में यूज करते हैं कि सर हमको घाव हुआ था ऊपर पपड़ी जम गई। अंग्रेजी में इसी को बोलते हैं स्कम। बोलो क्या? स्कम। व्हाट इज स्कम? अब आपको लगता है पपड़ी परमानेंट इलाज है? गलत, क्योंकि पपड़ी के नीचे घाव भरा नहीं। आप उछाड़ के देखेंगे नीचे अभी भी घाव है। कई बार आपने किया भी है, बैठे बैठे कुछ क्या करें, आओ पपड़ी उछाड़ के देखें। ये हर बच्चा देखता, क्यूरियोसिटी है, अरे मम्मा चोट लगी थी पपड़ी जम गई नीचे क्या है देखें। अरे अब आपने पपड़ी उछाड़ी, आपने फिर गड़बड़ कर दिया, ये स्कम उछाड़ दिया, फिर से इसको बनाने में टाइम। इस पपड़ी का जम जाना और ब्लड लॉस का रुक जाना, इट इज नोन एज ब्लड क्लॉटिंग। फिर से बोलो, ब्लड क्लॉटिंग। तो एक बार मैं रिवर्स डायरेक्शन में इसे पढ़ाता हूं और फिर मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में पढ़ाता हूं। एनसीईआरटी में रिवर्स डायरेक्शन में लिखा है इसलिए मैं रिवर्स डायरेक्शन में पढ़ाता हूं, ताकि आपको एनसीईआरटी घर में जाके समझ में आए। तो बोलते हैं सर इस पपड़ी के बनने में क्या चाहिए? फाइबर। और क्या चाहिए? डैमेज ब्लड सेल्स, डैमेज ब्लड सेल्स। आई एम वेरी मच सॉरी। जब आपको घाव लगा तो घाव के दौरान आपकी कुछ ब्लड सेल भी डैमेज हुई होंगी 100%। और बेटा उस घाव में आपको चाहिए फाइबर। तो कुछ लोग बोलते हैं यस फाइबर का नेटवर्क चाहिए। तो बोले ये फाइबर का नेटवर्क कहां आया? मैं ट्राई कर रहा हूं रिवर्स डायरेक्शन। बोलते हैं जो फाइबर का नेटवर्क आया ये फाइब्रिन नाम की प्रोटीन से आया। अभी आप लोग लिखेंगे नहीं, किस प्रोटीन से आया? तो किसी ने कहा बड़े पागल बना रहे हो, ये फाइब्रिन कहां से आया? तो मैंने कहा ये फाइब्रिनोजेन से आया। कहां से आया? फाइब्रिनोजेन।
तो आपकी आदत खराब हो चुकी है, आप पूछने लगे हो तो सर ये बताओ फाइबर कहाँ से आए, बोले फाइब्रिन से, फिर फाइब्रिन कहाँ से आया, फाइब्रिनोजन, सर फाइब्रिनोजन कहाँ से आया, कंटाप पढ़ा कहाँ से आया, क्योंकि आपको मैंने पढ़ाया था प्लाज्मा में क्या होती है, प्रोटीन एक प्रकार की थी, पहला कौन फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन एल्बुमिन 0.5% 2.5% 4.5%, तो क्या ये आप ऑलरेडी लेकर के पैदा हो, क्या आप लेकर के पैदा हो फाइब्रिनोजन, तो भाई फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन बना, याद रहे फाइब्रिनोजन इज इनएक्टिव, एक्टिव की इनएक्टिव, इन ये इनएक्टिव पड़ी रहती है, फाइब्रिनोजन इनएक्टिव पड़ी है आपके ब्लड में, एक्टिव नहीं हो रही है, पर ये जब घाव होता है तब एक्टिव हो जाती है और ये फाइब्रिनोजन कन्वर्ट कर देती है फाइब्रिन, तो बोलते हैं जब तक फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में कन्वर्ट नहीं होगा फाइबर के नेटवर्क नहीं बनेंगे और उन फाइबर के नेटवर्क में डैमेज ब्लड वेसल आकर के नहीं डिपॉजिट होंगे और तब तक स्कम नहीं बनेगा, स्कम मतलब पपड़ी, और तब तक कोआगुलेशन नहीं होगा। तो मैं बैक चल रहा हूं फाइबर के लिए, नेटवर्क ऑफ फाइबर के लिए, फाइब्रिन कहां से, एक्टिव की इनएक्टिव, इसका मतलब हर हाल में हमें अपनी फाइब्रिनोजन को एक्टिव करना पड़ेगा। फाइब्रिनोजन को एक्टिव करने के लिए देयर इज अ प्रोटीन नोन एज थ्रोम्बिन, बोलो क्या, हमें सर थ्रोम्बिन नाम की प्रोटीन चाहिए, यह भी प्रेजेंट होती है एज अ क्लॉटिंग फैक्टर, एज अ क्लॉटिंग फैक्टर, ये क्लॉटिंग फैक्टर के नाम से हमारे प्लाज्मा में ऑलरेडी प्रेजेंट होती। कंचन जी खड़ी हुई है, पांच चीजें जो प्लाज्मा में प्रेजेंट होती हैं, जल्दी जल्दी बताइए, बत्ती उड़ गई, वाटर 90 से 92, प्लाज्मा प्रोटीन, सॉल्ट एंड क्लॉटिंग फैक्टर, फिर से बोलो, अभी जानकारी के लिए बोल दे रहे हैं, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर के 13 फैक्टर हैं, कितने फैक्टर 13, और शुक्र मनाओ कि तुम्हारे कोर्स में नहीं, हम लोगों ने तैयारी के दौरान इन 13 फैक्टर के नाम सुने, लेकिन ज्यादा शुक्र मत मनाओ, MBBS के जैसे ही एंट्री मारोगे इन 13 फैक्टर के रट्टा लगाने, 13 प्रकार के फैक्टर्स है, उनमें से और ये प्लाज्मा में प्रेजेंट है, लेकिन प्लाज्मा में जो थ्रोम्बिन प्रेजेंट है वो भी इनएक्टिव रूप में प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ प्रोथ्रोम्बिन, फिर से बोलो, पीछे से फिर चलो, अगर नेटवर्क ऑफ फाइबर नहीं, अगर क्लॉटिंग चाहिए तो क्या चाहिए, नेटवर्क ऑफ फाइबर, अगर नेटवर्क ऑफ फाइबर चाहिए तो फाइब्रिन, अगर फाइब्रिन चाहिए तो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन बनाना पड़ेगा, अगर फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन बनाना है तो क्या चाहिए थ्रोम्बिन, अगर थ्रोम्बिन चाहिए तो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन बनाना पड़ेगा, एक्टिव की इनएक्टिव, इनएक्टिव, तो बोलते हैं ये फैक्टर भी प्रोथ्रोम्बिन नाम का फैक्टर भी प्लाज्मा में प्रेजेंट रहता, अब बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन भी इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा रहता है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन बनाने के लिए वी नीड अ कॉम्प्लेक्स ऑफ एंजाइम, इट इज अ एंजाइम कॉम्प्लेक्स, फिर से क्या चाहिए एंजाइम, हमें एक एंजाइम चाहिए कि एंजाइम कॉम्प्लेक्स, एंजाइम, और इस एंजाइम कॉम्प्लेक्स का नाम है थ्रोम्बोकाइनेस, फिर से बोलो थ्रोम्बोकाइनेस, क्या चाहिए थ्रोम्बोकाइनेज, और अगर थ्रोम्बोकाइनेज मिल जाए तो बताओ क्या होगा, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन, फाइब्रिन से नेटवर्क ऑफ फाइबर, एंड टू फॉर्म दिस थ्रोम्बोकाइनेज इट इज मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्टेप, ऑफ द ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग में सबसे खतरनाक स्टेप है थ्रोम्बोकाइनेज का बनना, क्योंकि अगर थ्रोम्बोकाइनेज बन गया तो अब रुकने वाला नहीं है, क्योंकि थ्रोम्बोकाइनेज प्रोथ्रोम्बिन को किसमें कन्वर्ट कर देगा थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को किसमें फाइब्रिन, फाइब्रिन से नेटवर्क का फाइबर और ब्लड का थक्का बन जाए, तो सबसे बड़ी मुसीबत है
कि बताओ इस थ्रोम्बोकाइनेज को कैसा बनाया जाए। थ्रोम्बोकाइनेज को बनाने के लिए देयर आर सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस, वन रिएक्शन की सीक्वेंस, सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस, बहुत सारी रिएक्शन है विथ मैनी क्लॉटिंग फैक्टर, बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर यूज होते हैं, एंड दीज सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज कैस्केड। बोलो क्या नाम? और ये तभी चालू होगा जब आपको वुंड लगे। बोलो क्या लगे? वुंड लगे, घाव लगे, तो ये चालू होगा। पीछे से चलते हैं बिना देखे, चलो बताओ क्या बनाना है, क्या करना है? कोआगुलेशन ऑफ ब्लड के लिए क्या चाहिए? फाइबर। फाइबर एक के नेटवर्क, नेटवर्क ऑफ फाइबर, फाइब्रिन कहां से, किसकी मदद से, थ्रोम्बिन कहां से, किसकी मदद से, थ्रोम्बोकाइनेज कहां से, वुंड से, फिर से बोलो, वुंड से, और एक रिएक्शन की मैनी रिएक्शन। तो जब भी घाव लगेगा, देखो बहुत आसान है, जब भी घाव लगेगा सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन होगी। और जब एमबीबीएस जाना प्लीज मैसेज जरूर करना जिस दिन ये प्लॉटिंग पढ़ रहे हो ना, और क्लिकना कि बेवकूफ आदमी हमको ये रिएक्शन क्यों नहीं सिखाई थी, तब मैं बोलूंगा क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं। पर ये आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनता है कि इतनी सारी रिएक्शंस का एक स्टेप है। यस, ये एक स्टेप है कि बहुत सारी, बहुत सारी, बहुत सारे स्टेप से आपने केवल एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनाया, नाम बताओ? और थ्रोम्बोकाइनेज हमेशा बन जाएगा। कब तक नहीं बनेगा? जब तक क्या ना लगे वुंड। जैसे ही घाव लगेगा सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन होंगी एट द साइट ऑफ घाव, एट द साइट ऑफ वुंड, और उन रिएक्शन की वजह से क्या बनेगा? थ्रोम्बोकाइनेज। थ्रोम्बोकाइनेज प्रोथ्रोम्बिन को, थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को, फाइब्रिन, नेटवर्क ऑफ फाइबर, ब्लड क्लॉट। इस तरीके से पढ़ना ये बेवकूफी है। पर मैंने क्यों पढ़ा है ना? अब सीधा पढ़ो। जब भी आपको घाव लगेगा, देखना बड़ा आसान लगेगा, जैसे ही घाव लगेगा तो आपके कुछ टिश्यू रप्चर होंगे, ये रहे टिश्यू, टिश्यू रप्चर होंगे और साथ में ब्लड वेसल भी रप्चर होंगे। तो एट द साइट ऑफ वुंड जो टिश्यूज है, दिस टिश्यू, टिश्यूज रप्चर हो जाएंगे। मैंने ब्लड वेसल रप्चर की टिश्यू, रप्चर ऑफ टिश्यूज, और टिश्यूज जब रप्चर होंगे तो इनसे एक बेटा फैक्टर निकलेगा, इट इज नोन एज थ्रोम्बोप्लास्टिन। अभी तक मैंने इसका नाम नहीं लिया था, अब ले रहा हूं, आपकी एनसीईआरटी में ना धोने होने के बावजूद भी ले रहा हूं, थ्रोम्बोप्लास्टिन। बोलो क्या? फिर से बोलो। एंड दिस थ्रोम्बोप्लास्टिन इज फ्रॉम द टिश्यू, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। पूरा नाम? कब? जब क्या लगा? घाव। क्या रप्चर हुए? तो रप्चर टिश्यू से क्या निकला? टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। फिर से बोलो। अच्छा, रप्चर टिश्यू नहीं हुए, साथ में ब्लड वेसल भी रप्चर हुए, और ब्लड वेसल को कौन कोट करता था? भूल गए, कौन कोट करता था? प्लेटलेट। तो बताओ अगर टिश्यू रप्चर हुआ है तो क्या प्लेटलेट भी रप्चर हुई होगी? और अगर प्लेटलेट रप्चर हुई होगी बेटा, अगर प्लेटलेट रप्चर हुई होगी तो प्लेटलेट भी थ्रोम्बोप्लास्टिन निकालेगी। यस, दैट इज नोन एज प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन। देखो मैं रुक रहा हूं वरना कल आकर फिर बोलोगे सर नहीं समझ में आया। चलो ब्लेड मारते हैं, करके देखते हैं। मारा? क्या रप्चर हुआ? टिश्यू नीचे, ब्लड वेसल दोनों रप्चर हुई, कटा हुआ टिश्यू, थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्लेटलेट, थ्रोम्बोप्लास्टिन दो प्रकार का निकला, एक कौन? टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन। पक्का? क्योंकि बेटा रप्चर टिश्यू है। प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन को बोलते हैं प्लेटलेट फैक्टर 3। मैं जबरदस्ती के ये दो पॉइंट आपको दे रहा हूं, प्लीज इन्हें अडॉप्ट कर लीजिएगा एनसीईआरटी में ना होने के बावजूद, दे आर नॉट इन एनसीईआरटी। चलो अब बोलो,
घाव लगने पर क्या निकला? थ्रोम्बोप्लास्टी। याद रखना, इसे कैसे याद रखेंगे? जो थ्रोम्बोसाइट से निकले, क्या निकले? थ्रोम्बोसाइट। फिर से बोलो। उसी का नाम थ्रोम्बोप्लास्टी। व्हाट इज थ्रोम्बोसाइट? प्लेटलेट। तो प्लेटलेट से निकलने वाला फैक्टर, इट इज नोन एज थ्रोम्बोप्लास्टी। ये प्लेटलेट फैक्टर 3 है और इधर से टिप्सो थ्रोम्बोप्लास्टिन। दोनों थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम की मदद से, किसकी मदद से? कैल्शियम। कैल्शियम की मदद ली और इन कैल्शियम की मदद के साथ साथ सेवरल क्लॉटिंग फैक्टर, बस इन्हें छुपा रहा हूं, फैक्टर 8, फैक्टर 9, फैक्टर 10, मैं इन्हें छुपा रहा हूं। तो सेवरल क्लॉटिंग फैक्टर्स, जब चाहोगे तो पढ़ा भी दूंगा, अभी नहीं, लेकिन अभी बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर की मदद से देयर इज अ कैस्केड ऑफ रिएक्शन। क्या बताओ, किसने चालू किया? थ्रोम्बोप्लास्टिन, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम और सेवरल क्लॉटिंग फैक्टर ने एक रिएक्शन की सीक्वेंस, सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन की, दैट इज नोन एज कैस्केड ऑफ रिएक्शन। एंड दिस कैस्केड ऑफ रिएक्शन का अंत में एक प्रोडक्ट बना, नाम है थ्रोम्बोकाइनेज। चलो अब मैं यहां रुकता हूं, मुझे बताओ, अपने मन में सोचो, घाव लगा, एक्सीडेंटल लगा, कैसे भी लगा, किसी ने नाखून मार दिया, कुछ भी, ब्लेड लग गई, घाव लगा, क्या रप्चर हुए? और ब्लड वेसल भी रप्चर हुई, रप्चर ब्लड वेसल्स की, प्लेटलेट खुल गई, टिश्यू खुल गया, टिश्यू ने क्या निकाला? थ्रोम्बोप्लास्टिन। प्लेटलेट ने थ्रोम्बोप्लास्टिन, दोनों आए किसके साथ जुड़े? कैल्शियम। और फैक्टर आए और एक रिएक्शन की सीक्वेंस, सीक्वेंस और सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन के बाद एक प्रोडक्ट बना, बहुत सारा कि एक, और वो है थ्रोम्बोकाइनेज। इज अ सिंपल प्रोडक्ट और कॉम्प्लेक्स? थ्रोम्बोकाइनेज का दूसरा नाम हम डॉक्टर प्रोथ्रोम्बिनेज भी कहते हैं, क्योंकि इससे हमें बहुत सारी चीजें याद हो जाती हैं। कैसे? क्योंकि हमें मालूम है सुनील सेट पे एक्ट करने वाला एंजाइम सुनीलेज। फिर से बोलो। तो बताओ, प्रोथ्रोम्बिन पे एक्ट करने वाला प्रोथ्रोम्बिनेज, इसका मतलब थ्रोम्बोकाइनेज किस पर एक्ट करेगा? प्रोथ्रोम्बिन में, प्रोथ्रोम्बिन में, और प्रोथ्रोम्बिन को किस में कन्वर्ट करेगा? थ्रोम्बिन। याद रखना, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कनेक्ट करने वाला कौन बेटा? कन्वर्ट करने वाला कौन? थ्रोम्बोकाइनेज अलोंग विद कैल्शियम आयन, अलोंग विद कैल्शियम। और जैसे ही थ्रोम्बिन बना, काम बन गया, क्योंकि हम इसी को तो ढूंढ रहे थे, क्योंकि हमारे पास प्लाज्मा में क्या पड़ी है? फाइब्रिनोजेन, एक्टिव की इनएक्टिव, इनएक्टिव, और ये किस में कन्वर्ट होना चाहती? फाइब्रिन, और इसको फाइब्रिन बनाने के लिए व्हाट वी नीड? थ्रोम्बिन। फिर से बोलो, अलोंग विद कैल्शियम। और जैसे ही फाइब्रिन बने, इधर देखते जाइए, जैसे ही फाइब्रिन बने, ये फाइब्रिन का नेटवर्क बनाया, नेटवर्क ऑफ फाइब्रिन बना, फाइब्रिन के नेटवर्क बने, और इन्हीं फाइब्रिन के नेटवर्क में आकर के कौन जुड़ गया? बेटा यहां पर आई, बेटा डैमेज्ड ब्लड सेल्स, बोलो, डैमेज्ड ब्लड सेल्स, तो फाइब्रिन के नेटवर्क, फाइब्रिन के नेटवर्क प्लस डैमेज्ड ब्लड सेल, इनसे मिलकर बना इसका, क्या बना? इसका। अब एनसीईआरटी को फिर से खुश कर दो, घाव लगा, क्या बनाना है? नेटवर्क ऑफ फाइबर। फिर से बोलो, साथ में डैमेज ब्लड सेल्स किससे बनेंगे? फाइब्रिन से। फाइब्रिन किससे? फाइब्रिन, फाइब्रिन बनाने वाला
और कैल्शियम, थ्रोम्बिन और कैल्शियम। थ्रोम्बिन किससे बना? प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनाने के लिए थ्रोम्बोकाइनेज एंड कैल्शियम। थ्रोम्बोकाइनेज अकेले बनेगा कि सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंस, एंड दैट इज नोन एज कैस्केड ऑफ रिएक्शन। फिर से बोलो, और ये कैस्केड ऑफ रिएक्शन के लिए तुम्हें क्या चाहिए? थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या चाहिए? थ्रोम्बो। और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन कितने प्रकार के? दो, एक कौन? टिश्यू थ्रोम्बो और एक प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन। और दोनों मिलकर के कैल्शियम की मदद से, सेवरल फैक्टर की मदद से इन्होंने कैस्केड ऑफ रिएक्शन किया और इस तरीके से ब्लड क्लॉट बन गया। याद करो, ब्लड क्लॉट करने पर हमने प्लाज्मा से क्या क्या चुराया? एक तो फाइब्रिनोज, दूसरा क्लॉटिंग फैक्टर। तो मैंने बोला था ब्लड प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर। तो बताओ, इस जगह से अगर कोई फ्लूड बाहर निकल रहा तो वो फ्लूड क्या होगा? सीरम, क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर यहीं छोड़ा है। तो समझ में आ गया? चलो अभी बताओ, आया कि नहीं आया? सर एक बार और। नहीं सर, सीधे बता पाओगे? सीधे बता पाओगे? हटा दें, रुक जाए। एनसीईआरटी, वैसे तो मैंने बहुत सारे चैप्टर बिना पढ़े छोड़े, लेकिन कई बच्चे कहते हैं कि सर आप पढ़ा दे तो वहाँ समझ में आता है, एनसीईआरटी समझ में नहीं आती। सो हियर इज द एनसीईआरटी, और इस एनसीईआरटी की सारी लिखी हुई बातों को यहाँ ढूंढेंगे जो हमने पढ़ा है। चलो एवरीवन, एनसीईआरटी बार करो। सब लोग लिख चुके हैं एनसीईआरटी? प्लीज देखो, मैं पढ़ रहा हूं। यू नो दैट व्हेन यू कट योर फिंगर और हर्ट योर सेल्फ, क्यों हर्ट किया आपको? योर वुंड डज नॉट कंटिन्यू टू ब्लीड फॉर लॉन्ग टाइम। ब्लीडिंग होती है लेकिन बहुत देर तक ब्लीडिंग नहीं हो। यूजुअली द ब्लड स्टॉप फ्लोइंग आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद ब्लड बंद हो जाता है। डू यू नो व्हाई? यस, ब्लड एग्जिबिट कोआगुलेशन और द क्लॉटिंग इन रिस्पॉन्स टू इंजरी और ट्रामा। क्लॉटिंग तभी होगी जब किसका रिस्पॉन्स मिले, इंजरी या फिर ट्रामा। दिस इज द मैकेनिज्म टू प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। यू वुड हैव ऑब्जर्व ए डार्क रेडिश ब्राउन स्कम। व्हाट इज स्कम? क्या आपने घाव के ऊपर पपड़ी रखी है? यस, पपड़ी अपना लगता है, स्कम अंग्रेजों का लगता है। क्या जम गई? पपड़ी, हाँ स्कम। Form at the site of cut or an injury over a period of time. ठीक है, it's a clot or coagulum formed mainly of the network of thread called as fibrin. चालू करो, ये जो पपड़ी है क्या ये फाइबर की है? उन फाइबर का नाम fibrin. Okay, आगे चल रहा हूँ। In which dead and damaged formed element of blood are trapped. बताओ इन फाइबर में क्या फंस गए हैं? डैमेज ब्लड सेल। सर आपने ब्लड सेल लिखा, उन्होंने लिखा फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट क्या होते हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। यस और नो? यस। फंस गए, आगे चलो। फाइब्रिन आर फॉर्म बाय द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिनोजेन इन द प्लाज्मा बाय एंजाइम थ्रोम्बिन। देखो किससे बना है फाइब्रिन? फाइब्रिन इज फॉर्म फ्रॉम फाइब्रिनोजेन, एक्टिव टू इनएक्टिव एलिमेंट। किसकी हेल्प से? थ्रोम्बिन। तो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन बनाने वाला कौन? थ्रोम्बिन अलोंग विद कैल्शियम। सर कैल्शियम तो नहीं लिखा, वेट करो कैल्शियम मिलेगा। आगे चलो, थ्रोम्बिन इन टर्न आर फॉर्म्ड फ्रॉम अनदर इनएक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट इन प्लाज्मा कॉल्ड एज प्रोथ्रोम्बिन। बताओ प्रोथ्रोम्बिन से क्या बना? थ्रोम्बिन। जो मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ दिखा रहा हूँ, देखते जाओ। हमें चाहिए फाइब्रिन, फाइब्रिन बने फाइब्रिनोजन से, फाइब्रिनोजन को बनाने के लिए थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन बना प्रोथ्रोम्बिन। आगे चलो, एन एंजाइम कॉम्प्लेक्स थ्रोम्बोकाइनेज इज रिक्वायर्ड फॉर द अबव रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनाने के लिए एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स चाहिए। एक एंजाइम की कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स इसका नाम थ्रोम्बोकाइनेज। क्या चाहिए? थ्रोम्बोकाइनेज। आगे, इज रिक्वायर्ड फॉर द अबव रिएक्शन। दिस कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म बाय द सीरीज ऑफ लिंक एंजाइमिक रिएक्शन नोन एज कैस्केड प्रोसेस इन्वॉल्विंग अ नंबर ऑफ फैक्टर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इनएक्टिव स्टेट। अब बताओ ये बनाने के लिए क्या चाहिए? कैस्केड ऑफ रिएक्शन।
जिसमें क्या इन्वॉल्व होंगे, सेवरल क्लॉटिंग फैक्टर जो एक्टिव है कि इनएक्टिव, यानी इनको एक्टिव करो, कैल्शियम को एक्टिव करो, कैस्केड ऑफ रिएक्शन चाहिए। मेरा दोष इतना है कि एनसीईआरटी में ये नहीं लिखा है, मैंने इसे लिख दिया पक्का, इन्होंने ये नहीं लिखा, मैंने केवल ये लिखा है। आगे सुनो, आगे एनसीईआरटी, एन इंजरी और ट्रॉमा स्टिमुलेट द प्लेटलेट। अब देखो ये भी लिखा है, एन इंजरी बोलो और ट्रॉमा किसको स्टिमुलेट करेगी, प्लेटलेट को, स्टिमुलेट द प्लेटलेट इन द ब्लड, रिलीज सर्टेन फैक्टर, रिलीज फैक्टर विच एक्टिवेट द मैकेनिज्म ऑफ कोआगुलेशन, जिन्होंने कोआगुलेशन की मैकेनिज्म को शुरू किया। क्या इन्होंने सब कुछ लिखा बस नाम नहीं लिखा? यस, मैंने नाम लिख दिया, बताओ उस प्लेटलेट के फैक्टर का नाम, प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन, यस इज ऑल्सो नोन एज प्लेटलेट फैक्टर 3, साथ में टिश्यू। बेटा टीचर बनने के लिए भी बहुत उम्र बाकी है, तुम पढ़ो, किसी को पढ़ाओ नहीं, जब मन भर जाए डॉक्टर ना बनने का तब टीचर बनना, यही रहो। आगे चलो, सर्टेन फैक्टर रिलीज बाय द टिश्यू एट द साइट ऑफ इंजरी ऑल्सो कैन इनिशिएट कोआगुलेशन। तो मैंने यहां भी गलती नहीं की, इन्होंने कहा प्लेटलेट से भी फैक्टर निकलते हैं, टिश्यू से भी फैक्टर निकलते हैं, ये सब नो। आगे लिखा हुआ है कैल्शियम आयन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, कुछ लोग कह रहे थे कैल्शियम कहां दिया गया, कैल्शियम जगह जगह पर रोल कर रहा है, ये सब नो। कोई भी पैराग्राफ की कोई भी लाइन आपको ना समझ में आई हो बता दो। चलो अब मेरे साथ बोलो, घाव लगा, टिश्यू रप्चर हुए, टिश्यू से फैक्टर आए, एनसीईआरटी ने कहा फैक्टर आए, मैंने फैक्टर का नाम बता दिया, बोलो टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टी, प्लेटलेट से फैक्टर आए, प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टी, उन्होंने कहा कैल्शियम का रोल है, मैंने कहा हाँ है, कैल्शियम आया, ग्रुप ऑफ रिएक्शन चली, क्या सेवरल क्लॉटिंग फैक्टर आए, एनसीईआरटी ने सीधे लिया कि उल्टा, उल्टा चालू हुआ उन्होंने फाइब्रिन से टिश्यू तक, हम लोग सीधा कर रहे हैं, याद है कैस्केड ऑफ रिएक्शन से क्या बना, थ्रोम्बोकाइनेज ने प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन ने फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन, फाइब्रिन के नेटवर्क ऑफ फाइबर अलोंग विद डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट। आज नहीं तुम कल भूल ही जाओगे, मुझे मालूम है हम भी पढ़ते हैं भूलते हैं, जो लोग भी इस स्कम को याद रखेंगे वो कभी नहीं भूलेंगे, इसलिए एनसीईआरटी अच्छी बुक है। पपड़ी जमाना है, बताओ कैसे जमाएं, फाइबर लाए, क्या लाए, फाइबर। अब कभी भी 6 महीने 6 साल बाद ही बोले यार पपड़ी कैसे जमती है, पपड़ी जमाने के लिए क्या चाहिए, फाइबर, फाइबर तो यार खाली हो जाएगा, ब्लड निकल जाएगा, नहीं उसमें डैमेज ब्लड सेल, डैमेज ब्लड सेल, तो बोले फाइबर कहां से लाए, रस्सी से, फाइबर लाए फाइब्रिन से, फाइब्रिन कहां से लाए, फाइब्रिनोजेन से, हाँ तो फाइब्रिनोजेन से फाइब्रिन बना, अपने आप, किससे बना, थ्रोम्बिन से, थ्रोम्बिन अपने आप, किसे, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बना, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बना, थ्रोम्बोकाइनेज प्रोथ्रोम्बिन, एक रिएक्शन से कि सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन के लिए बहुत सारे एलिमेंट हैं, बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर हैं, एक्टिव इनएक्टिव, इनएक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर के लिए क्या चाहिए, घाव, क्या चाहिए, घाव, सीधे चलो, घाव हुआ, टिश्यू रप्चर हुए, प्लेटलेट रप्चर हुआ, थ्रोम्बोप्लास्टिन निकले दोनों जगह से, कैल्शियम जुड़ा, बहुत सारे फैक्टर आए, कैस्केड ऑफ रिएक्शन क्या बना, थ्रोम्बोकाइनेज, ऑल्सो बोलो प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन से फाइब्रिन, फाइबर में डैमेज सेल और इसके बाद ब्लड क्लॉटिंग। इट टेक्स 3 to 5 मिनट, 3 से 5 मिनट चाहिए टू मेक अ क्लॉट, और इसीलिए सबसे पहला काम करो, जैसे किसी को चोट लगे हाय रब्बा करने लगो, हाय रब्बा, हाय बाबा, ये क्या हो रहा, नहीं, जहां कट है वहीं पर पकड़ के दबाओ ताकि ब्लीडिंग ज्यादा, और अगर ये दबाना है तो 1 सेकंड के लिए कि 3 से 5, वो कहे छोड़ दो, बोले नहीं 5 मिनट तक छोड़ेंगे नहीं, तब तक तुम्हारे क्लॉटिंग फैक्टर अपना काम कर चुके हैं, और उसके बाद छोड़ेंगे तो घाव से खून निकलने के चांसेस ज्यादा कि कम, इसलिए डॉक्टर साहब सुई लगाने के बाद
जब उनको लगता है कि सुई लगाते वक्त उनको खून निकल गया, बच्चा चिल्लाएगा अरे सुई कैसे लगा दी, खून निकल आया, तो वो एक चुप्पे से रुई रख देते, बोले पकड़े रहो, अभी वो देखते रहते हैं 3 मिनट, अब हटा लो। अब जब तुम हटाते हो तो रुई में खून होता है, हाथ में खून नहीं, क्योंकि उस रुई में खून लगा था और आपने उसको दबा के रखा था। रगड़ना कभी नहीं, इंजेक्शन साइड को कभी रगड़ते नहीं है, लेकिन आपकी आदत है आए दैया रगड़ने से आपकी मसल में इंफेक्शन आएंगे। हमेशा दबाओ पकड़ के, और दबाने के बाद थोड़ी देर बाद 3 मिनट के बाद अब हटाओगे खून निकलेगा कि नहीं, क्यों, क्लॉट हो चुका हो, क्या होगा, एंड दैट इज नोन एज ब्लड क्लॉटिंग। और हमारी खास आदत होती है लगवाया फिर रगड़ना, मजा आती है, है? किसी ने कभी ब्लड टेस्टिंग के लिए ब्लड निकलवाया? आपकी डायरेक्ट वेन पंक्चर होती है, वेन पंक्चर करने के बाद वो खून निकाल के आपको रुई पकड़ा देते हैं, ऐसे खड़े रहो। अब तो पूछते डॉक्टर साहब कितनी देर खड़ा होना है, आपकी बात पूछना नहीं। जब डॉक्टर साहब ज्यादा देर हो जाए, बोले डॉक्टर साहब अब हटा रहे, बोले नहीं नहीं, बोले नहीं हटाओ, बोले अरे 3 मिनट हो गए हमको भी मालूम है। 3 से 5 मिनट के अंदर ब्लड क्लॉट बन जाता है। अगर घाव बड़ा है तो इतने फाइबर पैदा ही नहीं कर पाओगे, तो आपका अगर कहीं पैर कटे भगवान ना करे तो क्लॉट बन पाएगा कि नहीं, नहीं, क्योंकि झउआ भर फाइबर चाहिए, इसलिए ब्लीडिंग के चांसेस कम की ज़्यादा है, ज़्यादा। तो आदमी के पैर कटने पर, हाथ कटने पर वो मर जाता है, क्योंकि उसका ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा। क्यों हो गया? क्योंकि ब्लड क्लॉट नहीं। यस और नो? आज एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि सर वो ब्लड अगर हम बॉटल में इकट्ठा, मैंने बनाया, उसने नहीं पूछा, उसका कुछ क्वेश्चन और था, ब्लड को अगर रख लें बॉटल में फिर बाद में चढ़ा दें क्यों नहीं चढ़ेगा? क्योंकि हर कटी हुई ब्लड वेसल से प्लेटलेट फैक्टर निकल चुका, तो भले ही वो वहाँ ना जमे बोतल में जम जाएगा, फिर बोलेंगे हे राजन इसे केक समझ के खा जाओ। यू नो देयर आर सम कंट्रीज जो बकरे को कट करने के बाद उसका ब्लड बर्फी की तरह खाते हैं। वाह, यस, उसको बर्फी कैसे बनाया जा सकता है? जमा दो और वो क्लॉट हो जाएगा। कुछ लोग कह रहे छी बटवा दो, ओके थैंक यू वेरी मच। तो इट वॉज अ क्लॉटिंग। अब क्या बचा? लिम्फ। लिम्फ एंड लिम्फैटिक सिस्टम। खाते तो लोग क्या क्या हैं, अगर मैं बता दूंगा तो आपका दिमाग खराब होगा। कुछ कंट्री है, नाम नहीं लूंगा, मेरे ऊपर कहीं कोई फतवा तवा जारी हो गया, गड़बड़ हो गया। वो अपने ऊंट की गर्दन में एक इंजरी मारते हैं, जुगलर वेन पंक्चर करते हैं और उस जुगलर वेन में मुंह लगा के पी लेते हैं, फिर उसको पकड़ लेते हैं, 3-5 मिनट के लिए वो बंद हो जाती, जानवर मरा भी नहीं, 3 दिन के बाद उसका ब्लड फिर से बन गया, फिर काटा फिर पी लिया। दे आर सैंगवीबोरस। छी क्या है, कौन से कंट्री, गूगल करो पता चल जाएगा। ऊंट सुने, ऊंट बड़ी बॉडी है, गर्दन में मारा, आधा लीटर आज का खाना है, आधा लीटर खून पी लिया, फिर पकड़ लिया, थोड़ी देर बाद उसका जम गया आर्टरी वापस, और ये कुछ ब्लड डोनेशन जैसा है, बस ब्लड डोनेट किया गया आपके पास चढ़ाने के लिए कि पीने के लिए। ऐसा क्या देख रहे हो रहा है? नाम ना ना भैया, कोनो हमारे धरा। लिम्फ एंड लिम्फेटिक सिस्टम। आइए लिम्फ और लिम्फेटिक सिस्टम को समझने के लिए, अरे बस पंडित जी बड़ा तिलक लगा लिए। अच्छा बताओ पंडित जी, अंडा खाए कभी? कभी नहीं खाए तो का जिए? पंडित जी इतना बड़ा टीका लगाए, बता रहे हमने आज तक अंडा नहीं खाया। अच्छा कभी कोई कोशिका खाई, एनिमल सेल खाई? अच्छा बताओ अंडा क्या है? एक कोशिका है, 10 की 1। और जब हमने मम्मी का मिल्क पिया था तो बहुत सारी कोशिका, बहुत सारी पी गए थे, तो हम अपने जन्म के तुरंत आधे घंटे के बाद से नरभक्षी हैं।
क्योंकि हमने एनिमल सेल खाई है। श्याम बाबू कहाँ हो? इधर 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 हो, इधर। लिम्प एंड लिम्फेटिक सिस्टम को समझने के लिए यू हैव टू हालांकि मैंने ये नहीं पढ़ाया है, इसके बावजूद इसकी जरूरत है। अब एनसीईआरटी ने पहले पढ़ाया तो पढ़ाना ही पड़ेगा। भाइयों बहनों मेरे प्यारे बच्चों, हमारा जो एट्रियम है या फिर ये जो चैम्बर है, ये ब्लड को बुलाता है बाय द वेन। दो वेन है, एक सुपीरियर वेना केवा और एक इंफीरियर। ऊपर वाली नीचे वाली इंफीरियर। वेना केवा से बेटा ब्लड आया राइट एट्रियम। बोलो कहा? तुम कोना छोड़ दो, बर्बाद होते जा रहे हो तुम। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल की तरफ ब्लड गया। किसकी तरफ? राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से ब्लड निकाला गया और बेटा भेजा गया लंग्स की तरफ। लंग्स कितने हैं? चार। हाँ, दो दो। दोबारा इनसे मिलेंगे अभी थोड़ी देर बाद। राइट एट्रियम से लंग्स की तरफ ब्लड भेजा गया और लंग्स से ब्लड वापस बुलाया गया। मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं रेस्पिरेटरी सिस्टम में, मुझे कोई डर नहीं। और जब बेटा इसे बुलाया गया तो बुलाया गया पल्मोनरी वेन की आर्टरी। वेन आर्टरी जो ब्लड लेकर आए वेन, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, पल्मोनरी वे, पल्मोनरी आर्टरी। बोलो पागल कहीं। अच्छा भाई, जब ये ब्लड आपके पास आया वापस से तो आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में गया। आपने लेफ्ट वेंट्रिकल से इस ब्लड को आर्क ऑफ एओर्टा से, बोलो किससे? एओर्टा से, हार्ट के पीछे से। किससे? हार्ट के पीछे से निकाला और इसका नाम है एओर्टा। बोलो क्या? एओर्टा। और इस एओर्टा से आपने इसे बॉडी को दिया। किसको दिया? बॉडी। और बॉडी से वापस ब्लड आया किसके द्वारा? वेन। बताओ बॉडी का ब्लड लेकर कौन आई? सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर। और बॉडी की तरफ ब्लड लेके कौन गया? आर्टरी। कौन सी आर्टरी? एओर्टा। फिर से बोलो, एओर्टा। सुन लो, अगर मैं आर्क ऑफ एओर्टा यहां बना रहा हूं तो इसका मतलब मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ब्लड कहां से चलता होगा, राइट वेंट्रिकल की लेफ्ट। अगर मैं ऐसा सब ना बनाऊं, इतना सब ना बनाऊं और रे डायग्राम बनाकर बताऊं, तो आपको मानना ही पड़ेगा कि लेफ्ट वेंट्रिकल से, बोलो क्या, क्या निकलती है? एओर्टा। फिर से बोलो, एओर्टा। बेटा डिवाइड होती है छोटे छोटे ब्लड वेसल्स में, नाम है आर्टरी। फिर से बोलो, जवाब चाहिए। एओर्टा से छोटा आर्टरी से छोटी आर्टेरियो। फिर से बोलो, आर्टेरियो। चलो बोलो, एओर्टा, एओर्टा से आर्टरी, आर्टरी से आर्टेरियो। और आर्टेरियोल जो ब्लड लेकर के आई वो गई कैपिलरी। बोलो किसमें? कैपिलरी। क्या किससे लगे गई? कैपिलरी। रास्ता बोलो, हार्ट से एओर्टा, एओर्टा से आर्टरी, आर्टरी से आर्टेरियो, आर्टेरियो से कैपिलरी। और जो ये कैपिलरी गई हैं वो एंट्री करती हैं टिश्यू में। कहां पर? टिश्यू। ये रहा टिश्यू की सेल। टिश्यू इज मेड अप ऑफ सेल। दो सेल्स के बीच का जो जगह है इट इज नोन एज इंटर सेलुलर स्पेस। फिर से बोलो, इंटर सेलुलर स्पेस। इसी इंटर सेलुलर स्पेस में फ्लूड है, इट इज नोन एज इंटर स्टीशियल फ्लूड। ये पहले से फ्लूड है या फिर इंटर सेलुलर फ्लूड है? इसी इंटर सेलुलर फ्लूड में, इसी इंटर सेलुलर फ्लूड में कैपिलरीज ने फिल्टर किया। क्या किया? फिल्टर। काम की चीजें फिल्टर की, बता रहा हूं क्या क्या फिल्टर किया, बता रहा हूं, ध्यान सुनना।
ऑक्सीजन फिल्टर किया, न्यूट्रिएंट फिल्टर किए और सॉल्ट फिल्टर किए। क्या फिल्टर किए? सॉल्ट। बड़ा बड़ा नहीं लिख पाऊंगा, लिखना पड़ेगा, जगह कम है। बोलो क्या? ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट सॉल्ट। फिर से बोलो। और इस समय पर तुम्हारा जानना जरूरी है कि ब्लड में क्या क्या होता है। बताओ, ब्लड सेल होती है? नो yes, सर no, yes, तो इसका मतलब क्या क्या फिल्टर नहीं हुआ, पहले वो भी लिखना पड़ेगा, क्या क्या फिल्टर नहीं हुआ। चलो बताओ, बताइए क्या फिल्टर नहीं हुआ। ब्लड सेल्स फिल्टर नहीं, प्रोटीन फिल्टर नहीं, फिल्टर नहीं हुई। तो फिर फिल्टर क्या हुआ? ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट सॉल्ट एंड वाटर। बोलो क्या? ऑलमोस्ट पूरा प्लाज्मा फिल्टर हो गया एक्सेप्ट प्लाज्मा प्रोटीन। भूल गए, प्लाज्मा में कितनी चीजें? पांचों याद है? वाटर था, प्रोटीन थी, सॉल्ट थे, न्यूट्रिएंट थे, एंजाइम थे। याद रखना, सब कुछ फिल्टर हुआ सिवाय प्लाज्मा प्रोटीन। कुछ लोग बोलते सर आर ब्लड भी सेल नहीं है। प्लाज्मा में ब्लड तो था ही नहीं, ब्लड तो आप सॉरी ब्लड सेल्स में, प्लाज्मा में ब्लड सेल थी नहीं, तो ब्लड सेल तो वैसे भी नहीं गई। इसका मतलब प्लाज्मा से क्या निकाल दिया जाए तो इंटरस्टीशियल फ्लूइड हो जाएगा, प्लाज्मा प्रोटीन। फिर से बोलो। और इस प्लाज्मा प्रोटीन को हटाने के बाद जो फ्लूइड छोड़ा गया, इसी फ्लूइड का दूसरा नाम उन्होंने रखा टिश्यू फ्लूइड। फिर से बोलो। याद रखना, ये फिल्टर होकर कहां आया? सीधे सेल में। सो जा यार। अच्छा, सेल में कि इंटरस्टीशियल स्पेस? और इंटरसेलुलर स्पेस से चीजें अंदर जाने लगी सेल के। किसके? सेल के। तो सेल के अंदर क्या गया? ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट सॉल्ट। पक्का? लेकिन सेल भी बेटा यहां पैदा कर रही थी CO2। क्या पैदा कर रही थी? CO2। क्यों पैदा हो रही थी? इसके अलावा नाइट्रोजन वेस्ट। फिर से बोलो। नाइट्रोजन। तो बताओ इन्होंने भी क्या निकाला? CO2 और नाइट्रोजन वेस्ट। फिर से बोलो। तो बताओ इन नाइट्रोजन वेस्ट और CO2 को, इस नाइट्रोजन वेस्ट और CO2 को सब लोग ध्यान से सुनेंगे, रीअब्सॉर्ब किया गया। क्या किया गया? रीअब्सॉर्ब। रीअब्सॉर्ब किया गया। अब जब रीअब्सॉर्ब किया गया तो वो भी रीअब्सॉर्ब किया गया कैपिलरी से। फिर से बोलो। कैपिलरी से। मेरी मदद करिए, आपकी मदद हो जाएगी। कैपिलरी ने क्या किया? फिल्टरेशन। जवाब नहीं आया। कैपिलरी ने क्या किया? कैपिलरी ने क्या किया? रीअब्सॉर्प्शन। क्या किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता? आप भूल गए कि मैंने पहले दिन पढ़ाया था हर कोशिका की तरफ कुछ लाना है और कुछ ले जाना है। क्या लाना है? ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट। क्या ले जाना? CO2 और नाइट्रोजन वेस्ट। बस वही कर रहा हूं लेकिन तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा। चिल्ला लो, बोलो हार्ट है? हार्ट से एओर्टा, एओर्टा से आर्टरी, आर्टरी से आर्टरियोल, आर्टरियोल से कैपिलरी, कैपिलरी सीधे सेल के अंदर घुस गई इंटरसेलुलर स्पेस। कैपिलरी ने फिल्टर किया। क्या क्या नहीं किया? ब्लड सेल प्लाज्मा प्रोटीन, बाकी सब कुछ फिल्टर कर दिया। कहां पड़ा रहा? इंटरसेलुलर स्पेस। बोलो कहां? और इंटरसेलुलर स्पेस में पड़ा पड़ा वो कहां गया? सेल। सेल ने वापस किया, वापस करके क्या किया? फिल्टरेशन की रीअब्सॉर्प्शन, रीअब्सॉर्ब। तो दो काम चल रहे हैं, एक तो हो रहा है फिल्टरेशन और दूसरा रीअब्सॉर्प्शन। फिर से बोलो। तो कुछ चीजें फिल्टर हो रही हैं और कुछ रीअब्सॉर्ब हो रही है। वापस से कैपिलरी लौटी। क्या लौटी? कैपिलरी। कैपिलरी ने बनाई वेन्योल। ये क्या था? आर्टेरियोल। क्या बन गया? वेन्योल। वेन्योल आपस में जुड़ी, क्या बना? वेन। वेन। और वेन जब आपस में जुड़ी तो बनी सुपीरियर वेना केवा। सॉरी, नीचे से आ रही है तो, नीचे से आ रही तो इंफीरियर वन और ऊपर से आ रही है तो सुपीरियर वेना।
सर ये सब पढ़ाने की जरूरत क्या है? सुनो अभी मजा आएगा। हमें ब्लड को पहुंचाना भी है और ब्लड को वापस भी लाना है, तभी तो हार्ट में ब्लड की कमी नहीं होगी। ट्यूबवेल से पानी चले और खेत में जाके एब्जॉर्ब हो जाए तो ट्यूबवेल को कॉन्टिन्यूस पानी निकालते रहना पड़ेगा। अगर ट्यूबवेल से पानी खेत तक जाए और खेत से वापस ट्यूबवेल में आ जाए तो पानी कभी खत्म नहीं होगा। और हमारा हार्ट ऐसा है जिसमें कभी ब्लड खत्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हार्ट से ब्लड गया टिशू तक और टिशू से वापस आया। क्या किया यहाँ पर? फिल्टरेशन और रीअब्जॉर्प्शन। अब सब कुछ छोड़ करके सुनना, जब हमने फिल्टरेशन किया तो उसमें दबाव लग रहा था एट्रियम का, बोलो किसका? एट्रियम। और एट्रियम कर रहे थे सिस्टोल, बोलो क्या? सिस्टोल। और हार्ट के डायरेक्ट कंट्रोल में थे, इसका मतलब इस प्रेशर ने प्रमोट किया कि ब्लड आगे बढ़े, और ब्लड आगे बढ़े तो फिल्टरेशन इज प्रमोटेड बाय सिस्टोल, यस और नो? क्योंकि फिल्टरेशन की वजह से, ध्यान सुनो, ब्लड प्रेशर की वजह से, हार्ट धड़कने की वजह से ब्लड प्रेशर घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो बताओ, आर्टरी में प्रेशर बढ़ेगा, आर्टेरियोल में बढ़ेगा, कैपिलरी में बढ़ेगा। तो बताओ, कैपिलरी का प्रेशर बढ़ा तो चीजें कैपिलरी में रहेंगी कि बाहर रहेंगी? बाहर। बेकार है, सुना ही नहीं तुमने, फिर से सुनो। ब्लड कहां से आ रहा है? ट्यूबवेल से। हार्ट से। डायस्टोल सिस्टोल हो रहा? Yes, sir. दिल धड़का, ब्लड बहुत तेजी से अंदर गया? Yes, किसके? दिल के कि बेटा आर्टरीज के? आर्टरीज। एओर्टा से आर्टरीज, आर्टरीज से आर्टेरियोल, आर्टेरियोल से। तो बताओ ये क्या हो रहा? फिल्टरेशन। फिल्टरेशन लो प्रेशर में कि हाई प्रेशर? अगर हाई प्रेशर में फिल्टरेशन हुआ तो चीजें निकली ज्यादा, ज्यादा निकली। अब सुनो, वेन जो आ रही है, वेन के ब्लड आने का डायरेक्शन और हार्ट के पंप करने का डायरेक्शन सेम है कि अपोजिट? तो बताओ किसको सपोर्ट मिलेगा? आर्टरी। किसको अपोज मिलेगा? वेन को। तो याद रखना, जिस तेजी के साथ फिल्टर हुआ है उस तेजी के साथ रीअब्सॉर्ब नहीं होगा। तो कहते हैं अगर एक यूनिट यहां से निकला तो पौना यूनिट यहां पर गया, इसका मतलब 0.25 यूनिट यही छूट गया। कौन? इंटरस्टिस। क्या छूट गया? ब्लड का पार्ट। ये नहीं आया, फिर से सुनो, इसलिए नहीं आ रहा ना क्योंकि आप लोग इस कॉम्प्लेक्सिटी को समझने की कोशिश नहीं कर रहे। आपको ऑनलाइन क्यों समझ में आता, पता क्यों? तुम्हें मालूम है टीचर चिल्लाएगा नहीं। टीचर को अगर मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा होता चुपचाप, ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये हुआ, चले गए। अब तुम रिवाइंड कर लेते, क्या हुआ? अरे नहीं समझ में आया, फिर से बताओ। वहां रिवाइंड कर सकते हो, यहां मैं रिपीट करता हूं, पर तुम्हें मालूम है रिपीट करता पागल है। आर्टरीज गई, लो प्रेशर की हाई प्रेशर? हाई प्रेशर में क्या हो रहा? तो फिल्ट्रेशन को कौन सपोर्ट कर रहा? ब्लड प्रेशर। और रीअब्जॉर्प्शन को ब्लड प्रेशर सपोर्ट कर रहा कि अपोज? अपोज। तो बताओ, फिल्ट्रेशन यानी ब्लड का पार्ट निकलेगा, एब्जॉर्ब कम होगा। तो बताओ कुछ यही छूट जाएगा? तो बताओ टिश्यू फ्लूड जो होंगे, जो टिश्यू फ्लूड होंगे उसका वॉल्यूम घटेगा कि बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा। नहीं आया, नहीं आया, फिर से बोलो। सर मान लीजिए यहां पर एक यूनिट फिल्टर हुआ, कितना यूनिट? एक यूनिट। मैं ऐसे बोल रहा हूं आर्बिट्रेरी, ये रियल बात नहीं है। मान लीजिए एक यूनिट फिल्टर हुआ क्योंकि ब्लड प्रेशर यहां हाई था, और वापस से रीअब्सॉर्ब किया गया तो किसमें डाला गया? ब्लड में। अब मैं ये सब मिटा रहा हूं तो आपको दिखाई पड़ेगा। बताओ ये आर्टरी, सॉरी ये कैपिलरी, यहां क्या कर रही है? फिल्टर। और यहां क्या कर रही है? रीअब्सॉर्ब। फिल्टरेशन भी किसमें? कैपिलरी। रीअब्सॉर्प्शन भी कैपिलरी। ये कैपिलरी किसकी? आर्टरी। फिर से बोलो। और ये कैपिलरी किसकी? वेन्यूल। तो कैपिलरी एक है कि दो? एक किसकी? आर्टरी। एक किसकी? वेन। आर्टरी की जो कैपिलरीज है, आर्टरी की जो कैपिलरीज है उसमें ब्लड प्रेशर हाई, फिल्ट्रेशन ज्यादा। तो बेटा कैपिलरीज ऑफ द वेन में बेटा हार्ट ब्लड प्रेशर जो है रीअब्सॉर्प्शन को सपोर्ट करेगा कि अपोज? क्योंकि ब्लड प्रेशर क्या करता है? फिल्ट्रेशन। और यहां क्या करना है? रीअब्सॉर्प्शन। तो बताओ जितना फिल्टर होगा उतना रीअब्सॉर्ब? तो ब्लड का कुछ हिस्सा यही छूट जाएगा, उसी का नाम टिश्यू फ्लूइड।
नहीं आया, नहीं आया, तो बताओ फिल्टर क्या हुआ? ज्यादा, और रीअब्सॉर्ब हुआ कम। चलो इसे अंक गणित से समझते हैं। मान लीजिए एक यूनिट फिल्टर हुआ कितना, और 0.75 रीअब्सॉर्ब हुआ कितना, तो कितना बचा 0.25 कहां, टिश्यू में। अगली बार फिर जाएगा कितना जाएगा, एक यूनिट कितना फिल्टर होगा, कितना फिल्टर हुआ है, एक यूनिट कितना वापस आया, कितना छूट गया 0.25 पहले से था 0.25 और हो गया, कितना हो गया 0.50। अगली बार फिर गया 1 गया 0.75 लौटा, फिर 0.25 छूटा, कितना हो गया 0.75, फिर गया और बताओ वॉल्यूम घटने लगा कि बढ़ने लगा, कहां टिश्यू में बढ़ने लगेगा, तो लौटने वाला ब्लड वॉल्यूम ज्यादा कि कम, ये नहीं आया, कितने लोगों को नहीं आया, वेरी गुड वेरी गुड। अब बेटा यही ध्यान से सुनना, हार्ट दिख रहा है, हार्ट ने ब्लड कहां देना, मदद करो यार, एओर्टा से लो प्रेशर की हाई प्रेशर, आर्टरी आर्टेरियोल और कैपिलरी हाई प्रेशर, क्या कर रहा, ब्लड को रख रहा कि फेंक रहा, क्या हो गया फिल्टर, फिल्ट्रेशन कम की ज्यादा, ज्यादा चीजें निकली कहां पर, सेल के बीच, ये सेल है, ये सेल है, चीजें सेल के बीच में निकली, इसका नाम टिश्यू फ्लो, बना किसे, ब्लड से, किसे, क्या नहीं आया, ब्लड से और प्लाज्मा, प्रोटीन, प्लाज्मा का ब्लड नहीं, प्रोटीन नहीं आई, लेकिन सॉल्ट, न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन, बाकी चीजें आई, सॉल्ट आए, कोएगुलेशन फैक्टर आए, क्या नहीं आया, ब्लड से और प्लाज्मा, तो आया कहां से, इसका मतलब ब्लड भेजा गया था, तो ब्लड का कुछ हिस्सा इंटरस्टिशियम में आया, इंटरस्टिशियम को वापस कर देना चाहिए, एक लो तो एक वापस कर देना चाहिए, पर उसने एक लेकर एक वापस नहीं किया, क्योंकि रीअब्सॉर्प्शन ब्लड प्रेशर को, कहां से, यहां से, तो रीअब्सॉर्प्शन उतना नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि यहां पर क्या लग रहा है, ब्लड प्रेशर, और ब्लड प्रेशर किसी भी चीज का अगर प्रेशर ज्यादा है तो वो फिल्टर करता कि एब्जॉर्ब, फिल्टर क्या करता है, फिल्टर, और यहां क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब, तो बताओ एब्जॉर्ब उतना जितना क्या हुआ, फिल्टर, तो बताओ अगर 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 बेटा अगर ये कहां पर है बताओ, अगर फिल्टर कम हुआ, सॉरी फिल्टर ज्यादा हुआ और रीअब्सॉर्ब कम हुआ, क्या हुआ कम, अगर फिल्टर ज्यादा हुआ और रीअब्सॉर्ब कम हुआ, तो बताओ अगर एक यूनिट फिल्टर हुआ तो एक यूनिट से कम रीअब्सॉर्ब हुआ होगा, लेट्स सपोज इट इज 0.75, एक रुपया निकला 75 पैसा छोड़ गया, कितनी बची 54, यानी एक बार ब्लड आया कितनी छूट गई 54, दूसरी बार फिर से 54, फिर से 54, 54 घटेंगी कि बढ़ती जाएंगी, हाँ, तो जाने वाला ब्लड ले जाएगा रुपया लौटाएगा 12 आना 54 छोड़ाया, इसका मतलब जो ब्लड लौट रहा वो धीरे धीरे बढ़ता था कि कम होता था, और इसका मतलब हार्ट के पास ब्लड पहुंचना कम हो, जो यहां छूटा है उसी का नाम है टिश्यू फ्लो, फिर से बोलो, अगर इसे वापस नहीं लाया गया क्या, तो एक दिन हार्ट में ब्लड, क्योंकि वॉल्यूम कम होगा, क्योंकि बहुत सारी चवन्नियां छोड़, यस और नो, और इस वजह से इस टिश्यू फ्लूड को वापस लाना है, और इस टिश्यू फ्लूड को लाने के लिए सब लोग ध्यान से, यहां पर एक नई कैपिलरी जन्म लेती है, दिखाई पड़ रहा है, नहीं दिखाई पड़ रहा, कलर बदले, दिखाई पड़ रहा है, यहां एक नई कैपिलरी जन्म लेती है, और ये ब्लाइंड एंड कैपिलरी होती है, यानी एक तरफ बंद और एक तरफ खुली, और वो इस टिश्यू फ्लूड को चवन्नी को उठाती, जो चवन्नी छूट गई थी, याद रहेगा, और इस कैपिलरी का नाम है लिम्फ कैपिलरी, फिर से बोलो, ये ब्लड कैपिलरी की लिम्फ कैपिलरी, और ये लिम्फ कैपिलरी जुड़कर बनाती है लिम्फ वेसल, फिर से बोलो,
और ये लिम्फ वेसल बेटा जगह जगह पर गांठें बनाता है, एंड दीज आर नोन एज लिम्फ नोड्स। तो आपकी बॉडी में इन गांठों के जाल है, दीज नोड्स हैविंग द नेटवर्क इन योर बॉडी। कुछ तो मैं गिनाता हूं, टॉन्सिल, फिर से बोलो, गले की गिल्टी, ये एक लिम्फ नोड है। क्या है? लिम्फ नोड। अगर कभी तुम्हें घुटने में चोट लगी हो, चोट लगी यहां, दर्द हुआ यहां, क्यों? क्योंकि यहां पर से लिम्फ जो था वो ड्रेन हुआ लिम्फ नोड में, इंग्वाइनल, बोलो इंग्वाइनल। गिल्टियां यहां भी हैं, गिल्टियां यहां भी हैं, गिल्टियां यहां भी हैं, गिल्टियां गर्दन में भी हैं, पीछे भी हैं, गिल्टियां एक हैं कि बहुत सारे, बहुत सारे हैं, सच्ची में? यस। जिस दिन डॉक्टर बनोगे तुम्हें पता चलेगा कि कैंसर की मेटास्टेसिस, फिर से ऑल द पढ़ाया मैंने पहले भी है लेकिन किसी को याद नहीं हुआ, याद है? कैंसर की मेटास्टेसिस, कैंसर की सेल सबसे पहले कहां पहुंचती है? लिम्फ में। अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर है, क्या है? तो ब्रेस्ट कैंसर की सेल सबसे पहले लिम्फ नोड पे जाएंगी। यस और नो? यस। और अब हम बोलेंगे कैंसर लोकल हुआ कि मेटास्टेसिस। और एक बार मेटास्टेसिस चालू, कैंसर अच्छा कि खतरनाक? इसीलिए जिन लोगों को भी कैंसर होते हैं उनका केवल कैंसर वाला पार्ट करते हैं कि गिल्टी भी? गिल्टी भी। जीभ में कैंसर हुआ, गर्दन क्यों काटी गई? सारे टॉन्सिल निकाले गए। मसाला गुटखा खाने वालों सावधान, जिस दिन भी आपके जीभ में कैंसर होगा पहले तो जीभ काटेंगे और जीभ से जुड़े जितने भी टॉन्सिल है सब काट के निकाले जाएंगे, क्योंकि हर पार्ट ड्रेन करता है कहाँ? लिम्फ। और कभी कभी जबड़ा काटेंगे, लिम्फ नोड्स काटेंगे, गर्दन के सारे लिम्फ नोड काट के निकाल देंगे, क्योंकि कैंसर कहाँ पहुंच चुका है? लिम्फ। तो जो गुटखा खा रहे ना बैठे बैठे, कुछ नहीं होता यार, मेरे बाबा 10 सदियों से सिगरेट पी रहे, कुछ नहीं हुआ, बाबा का तो टाइम निकल गया। और जिनका होता है, कभी मेरे साथ कैंसर हॉस्पिटल चलो, 18-18, 20-20 साल के बच्चों को माउथ कैंसर हो रहा है आजकल। बोले कैसे हो रहे? 10 साल की उम्र से उन्होंने पापा की सिगरेट चुरा के पीना चालू किया था। हे राजन ये मत करना, बटवा दे। अब सुनो, आपकी पूरी बॉडी में ऐसी गांठें हैं, ऐसे नोड्स का नेटवर्क है। काश कि मैं ये डायग्राम हटा करके वो पढ़ा पाता, अच्छा पढ़ा सकता हूं। याद रखना, ऐसे नेटवर्क आपकी पूरी बॉडी में पड़े हुए हैं, पूरी बॉडी को मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं, प्लीज मेरी मदद करिएगा तभी समझ में आएगा। लेट सपोज दिस इज योर फुल बॉडी, हेड, नेक, दिस इज बॉडी, ओके, दिस इज योर हैंड्स, लेग। बेटा इसको मान लो कि एक आदमी है। अब आपकी बॉडी में इस तरीके के नोड्स पूरी बॉडी में पड़े हुए, इंग्वाइनल रीजन, लेग रीजन, हेड रीजन, हंसने वालों, गर्दन, हाथ, एक्जिला, एक्जिला, चेस्ट, हाथ, इंग्वाइनल रीजन, लेग रीजन, Everywhere there are these lymph nodes. कहां तक गाड़ी पहुंची थी? Lymph capillary, lymph vessel. फिर से बोलो, lymph vessel से lymph node. फिर से बोलो, and now these lymph nodes will make the lymph duct. फिर से बोलो, lymph duct. Lymph duct. चलो यहां तक लेके आओ, पहले मुझे पूरी कहानी बताओ। हाँ बोलो, लिम्फ कैपिलरी, लिम्फ कैपिलरी जुड़कर क्या बनाएगी? लिम्फ वेसल, लिम्फ वेसल से लिम्फ नोड्स, मरे तुम, लिम्फ नोड से लिम्फ डक्ट, फिर से बोलो, एंड द लिम्फ डक्ट ऑफ द लेफ्ट साइड एंड द राइट साइड ऑफ लेग, राइट साइड लेग,
left side leg, left side hand, left side upper of body, they will drain in the thoracic duct. बोलो किसमें? Thoracic duct. आपको लग रहा होगा कि सब ज्यादा पढ़ा रहा हूं, अभी मैं आपकी एनसीईआरटी को पढ़ूंगा. थोरेसिक डक्ट, और थोरेसिक डक्ट दो, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड. फिर से बोलो, लेफ्ट साइड. तो लेफ्ट साइड के लेग को छोड़कर हैंड लो और बॉडी लो, हैंड और अपर बॉडी की डक्ट बनेगी थोरेसिक डक्ट, और ये थोरेसिक डक्ट जाएंगी, सॉरी दीज आर नोन लिम्फेटिक डक्ट, और ये क्या जाएंगी? लेफ्ट थोरेसिक डक्ट. बोलो कहा? लेफ्ट थोरेसिक. प्रतीक बाबू छोड़ दिया साहब, इधर ध्यान दो तो आएगा. अभी मैं एनसीईआरटी में पढ़ूंगा कि कहां लिखा है, बचने का मेरा मूड भी नहीं. चलो कहां तक आए? और लिम्फ नोड बॉडी में एक जगह की पूरी बॉडी में, और सारे लिम्फ नोड बना रहे हैं डक्ट. बोलो क्या नाम? और लिम्फ डक्ट. वैसे बहुत सारे तुमने फिजिक्स में रूल पढ़े हैं, लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, बायोलॉजी में लेफ्ट हैंड रूल. निकालो सब लोग लेफ्ट हैंड. यस, राइट हैंड को बॉडी के साथ. देखो किसी गर्ल्स के साथ किसी ने कोई बदतमीजी की तो मैं मारूंगा बहुत. देखो राइट हैंड को बॉडी के साथ, दोनों लेग हटाओ, ऐसे कर लेना घर में जाकर. अब देखना, राइट लेग, लेफ्ट लेग, लेफ्ट हैंड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द हेड. फिर से, राइट राइट लेग, लेफ्ट लेग, लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी, लेफ्ट हैंड एंड लेफ्ट अपर बॉडी की सारी डक्ट लेफ्ट थोरेसिक डक्ट. बोलो, और राइट थोरेसिक डक्ट में केवल कौन? अपर ऑफ राइट एंड राइट हैंड. अपर ऑफ राइट हैंड, राइट हैंड. तो कितनी थोरेसिक डक्ट? थोरक्स में प्रेजेंट डक्ट, थोरेसिक डक्ट. पक्का? तो बताओ कितनी थोरेसिक डक्ट? दो. एक कौन? राइट थोरेसिक डक्ट, लेफ्ट थोरेसिक डक्ट. और राइट एंड लेफ्ट थोरेसिक डक्ट विल ड्रेन दियर ब्लड, विल ड्रेन दियर ब्लड सब क्लेवियन वे. मरे तुम, हम जानते हैं किसमें ड्रेन किया. कैसे याद रखोगे? क्लेविकल याद है? क्लेविकल, क्लेविकल के नीचे एक वेन आती. बोलो, सब क्लेवियन. सब मतलब नीचे, क्लेविकल, क्लेवियन, सब क्लेवियन वेन. और सब क्लेवियन वेन विल ड्रेन दिस ब्लड टू द सुपीरियर वेना केवा. फिर से बोलो. मैं तो अपना टॉपिक हार गया तुम लोगों से, पर कुछ तो याद ही होंगे, उनके लिए मैं वापस आ रहा हूं, वरना टॉपिक तो मैं हार ही चुका हूं. आओ चलो चलो यहां से बोलो. लिम्फ कैपिलरी, फिर लिम्फ नोड है. अब मैं लिखूंगा नहीं, अब आपको बताना पड़ेगा. लिम्फ नोड कहां जाएंगे? They will form lymph duct. Thank you very much. Lymph duct. और lymph duct कहाँ जाएगी? Thoracic duct. फिर से बोलो. Thoracic duct. Lymph duct जाएगी thoracic duct. और thoracic duct कहाँ जाएगी? Subclavian vein. फिर से बोलो. Subclavian vein. और subclavian vein इसे कहां ड्रेन करेगी? सुपीरियर वेना को. तो जो ब्लड की चमन्नी छूटी थी वो वापस ब्लड में मिली, लेकिन किस जगह मिली? सुपीरियर वेना केवा. तो हार्ट तक पहुंचते पहुंचते एक रुपया. देखो चला कितना था? एक रुपया. लौटा कितना था? 75 पैसा. ब्लड के रूप में कितना छूटा है? था चवन्नी. चवन्नी किससे आई? कैपिलरी नेटवर्क. और वो भी कहाँ आई? वेना. तो 75 पैसा और चवन्नी अगेन एक रुपए. तो हार्ट तक पहुंचते पहुंचते वॉल्यूम बराबर नहीं हुआ? हो गया. नहीं हुआ? आप सुनो, अभी तक मैंने लिम्फ शब्द यूज नहीं किया. क्या यूज किया? फिर से बोलो. टिश्यू. When the tissue fluid enter in the lymphatic system, into the lymphatic system, into the lymphatic system,
दिस टिश्यू फ्लूइड विल कॉल्ड एज लिम्फ। अब आप कहेंगे लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, उसी को पढ़ाने के लिए मैंने अपना जान खपा दी। लिम्फेटिक सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ द कैपिलरीज ऑफ द लिम्फ अप टू द सबक्लेवियन। चिल्लाओ मेरे साथ, लिम्फ कैपिलरी, लिम्फ वेसल, लिम्फ नोड, लिम्फ डक्ट, थोरेसिक डक्ट, सबक्लेवियन वेन। फिर से बोलो, लिम्फ कैपिलरी, फिर से बोलो, लिम्फ वेसल, लिम्फ नोड, लिम्फ डक्ट, फिर थोरेसिक डक्ट। तो जो टिश्यू फ्लो टिश्यू में था, टिश्यू के बीच में था, उसका नाम, पर जब वो बेटा लिम्फ कैपिलरी में घुस गया तो इसका नाम लिम्फ। फिर से बोलो, लिम्फ। और ऐसी लिम्फ कैपिलरीज हमने विलाई के नीचे देखी है, याद है? नाम बताओ, लैक्टियल। फिर से बोलो, लैक्टियल। तो बताओ लैक्टियल में मैंने क्या देखी है? लिम्फ वेसल, जो कहां से बनी है? लिम्फ कैपिलरी। आगे क्या बनाएगी? लिम्फ नोड, आगे लिम्फ डक्ट, आगे थोरेसिक डक्ट। यस, यू स्टैंड अप प्लीज, आप खड़े हो। यस बेटा, मैंने एक बीमारी सुनी है, बीमारी का नाम है वुचेरिया बैनक्राफ्ट है। पहले तो डरा मत करो, जब मैं किसी से क्वेश्चन पूछता हूँ तो उम्मीद से पूछता हूँ, डर जाते बेचारे, ये पता नहीं क्या करेगा बदतमीज। वुचेरिया बैनक्राफ्ट है, नाम सुने? व्हाट इट इज? एलिफेंटियासिस। नो, इट्स अ फाइलेरियल वॉर्म। इट इज अ, सर एक ही बात है? नहीं, एक है कीड़ा और एक है बीमारी। व्हाट इज विक्टोरिया ब्रेन ऑफ? नाम बताओ, फाइलेरियल वॉर्म। फिर से बोलो, इट स्टेन लिम्फ वेसल, ये लिम्फ वेसल में रुक जाता है, और अगर ये लिम्फ वेसल में रुक गया तो लिम्फ वेसल ब्लॉक हो जाएगा। क्या ब्लॉक हो जाएगी? तो बताओ लिम्फ लौट पाएगा कि नहीं? तो जो एक रुपया गया था चवन्नी छोड़ के आया, 75 पैसा लेके आया, चवन्नी यही छूट जाएगी, अगली बार चवन्नी और छूटेगी, और चवन्नी छूटेगी। बताओ चवन्नी आया, हाँ इकट्ठा हो गया। व्हाट इज चवन्नी? टिश्यू फ्लो। घटेगा कि बढ़ेगा? और जितनी जिंदगी बढ़ती जाएगी टिश्यू फ्लूड बढ़ता जाएगा, और ये टिश्यू फ्लूड अगर पैर में बढ़ा तो पैर का वॉल्यूम घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। दैट इज नोन एज पैर की हाथी पांव, हाथी पांव। देन ही वाज सेइंग इट इज एलिफेंटियासिस, द डिजीज इज कॉज बाय विचेरिया बैनक्राफ्ट, एंड विच बाय व्हाई? बिकॉज इट इज स्टेन लिम्फ वेसल। क्या ब्लॉक हो गया? लिम्फ वेसल। तो बताओ लौटने वाला लौटा कि नहीं? तो क्या वहीं रह गया? और उस पार्ट का टिश्यू फ्लूड घटा कि बढ़ा? तो सेल के बीच का वॉल्यूम बढ़ता गया, बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा। नहीं आया, मुझे लगा कि आप समझ रहे हो इसलिए मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा। बाकी बहुत सारे लोग आशा छोड़ चुके हैं कि आएगा भी। बताओ व्हाट इज लिम्फ? नो, इट्स नॉट टिश्यू फ्लूड। द टिश्यू फ्लूड विच इंटर इन टू द लिम्फेटिक सिस्टम। बोलो, चलो पढ़ो, इतना एक घंटा बर्बाद किया मैंने, और देखो क्या लिखा है इसमें, 10 लाइनें हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ज्यादा पढ़ाने के चक्कर में ये भी ना है। हाँ ऐसा ही होता है। हाँ यस सर। As the blood process through the capillary, इधर देखो मैं पकड़ता जा रहा हूं, as the blood through the capillary in tissue, कहां पर? Tissue, some water along with many small water soluble substance move out into the space between the cell of the tissue, leaving larger protein and most of the formed element in the blood vessels. क्या नहीं आया? ब्लड सेल्स। और क्या नहीं आया? प्लाज्मा। बाकी सब कुछ आ गया, वाटर आ गया, सॉल्ट आ गया। तो बताओ प्लाज्मा का सॉल्ट कंसेंट्रेशन और टिश्यू फ्लूइड का सॉल्ट कंसेंट्रेशन सेम। आगे देखो, फिर से पढ़ रहा हूं, इन टिश्यू सम वाटर अलॉन्ग विथ मैनी वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेज मूव अलॉन्ग इन टू द स्पेस बिटवीन द सेल ऑफ द टिश्यू लीविंग द लार्जर
प्रोटीन एंड मोस्ट ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट इन द ब्लड वेसल. क्या छूट गई ब्लड वेसल में? ब्लड एंड प्लाज्मा. क्या आ गया? बाकी सब कुछ आ गया. ओके, दिस फ्लूड रिलीज आउट इज कॉल्ड द इंटरस्टीशियल फ्लूड और टिश्यू फ्लूड. मैंने भी क्या नाम रखा है? इसी फ्लूड का नाम है इंटरस्टीशियल फ्लूड या फिर टिश्यू फ्लूड. इसका नाम लिम्फ नहीं है, अभी तक नहीं है. ओके, टिश्यू फ्लूड. इट हैज द सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एज दैट इन प्लाज्मा. मैंने पहले ही पढ़ा दिया, प्लाज्मा का सब कुछ आ गया. क्या वाटर आ गया? मिनरल आ गया? एंजाइम आ गए? क्या नहीं आया? प्लाज्मा प्रोटीन, ब्लड सेल्स. तो इट हैव द सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एज इन प्लाज्मा. एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट एंड गैसेस एटसेट्रा बिटवीन द ब्लड एंड द सेल ऑलवेज अकर थ्रू दिस फ्लूइड. देखो, एक्सचेंज, ब्लड ने क्या दिया? ऑक्सीजन. ऑक्सीजन से टिश्यू. तो ब्लड और टिश्यू के बीच में क्या आई? ऑक्सीजन थ्रू दिस फ्लूइड. दिस फ्लूइड का मतलब इंटरस्टीशियल फ्लूइड. और इन्होंने क्या वापस की? CO2 और नाइट्रोजन बेस. किसको? ब्लड को. डायरेक्टली वाया किसका? वाया इंटरस्टीशियल. फिर से यही पढ़ रहे हैं. चलो, this fluid release out is called as interstitial fluid or tissue fluid. It has the same mineral distribution as in plasma. Exchange of nutrient gases etc between the blood and the cell always occur through this fluid. An elaborate network of vessels. Iske baad tum samajh nahi pate agar main itna mehnat nahi karta. Ab sunna. An elaborate network of vessel called as lymphatic system collect this fluid and drain it back to the major veins. समझ गए? इन्होंने जो एक लाइन लिखी है उसके लिए मैंने आधा घंटा बर्बाद कर दिया. नेटवर्क क्या है? पता उस नेटवर्क का नाम? लिम्फ कैपिलरी. बोलो, लिम्फ वेसल, लिम्फ नोड, लिम्फ डक्ट, थोरेसिक डक्ट, सबक्लेवियन वेन, सुपीरियर वेन. These are minor vein की major vein. Major vein. यानी एक elaborate system बनता है जो इस tissue fluid को उठा करके major vein में डालता है. अब आया definition. Underline करना. The fluid present in the lymphatic system. The fluid present in the interstitium. Interstitium. The fluid present in the lymphatic system. मतलब किसके अंदर? लिम्फ कैपिलरी, लिम्फ वेसल, लिम्फ नोड, द ट्रैक, थोरेसिक डक्ट, सबक्लेवियन. दिस इज नोन एज लिम्फ. नहीं आया? आगे लिखा, द फ्लूइड प्रेजेंट इन द लिम्फेटिक सिस्टम इज कॉल्ड एज लिम्फ. लिम्फ इज अ कलरलेस फ्लूइड कंटेनिंग स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट. याद करो, बाकी सारी सेल छूट गई थी लेकिन मैंने ही पढ़ाया था आपको कि बताओ लिम्फोसाइट बनती कहाँ है? बोन मैरो. याद आया? मैच्योर होने कहाँ जाती है? थाइमस. और थाइमस एक बड़ा सा लिम्फ नोड है. दैट्स इट. यस और नो? नो सर. टॉन्सिल इज लिम्फ नोड, स्प्लीन इज लिम्फ नोड. बस बड़ा साइज बड़ा है. नो और यस? इसका मतलब है दे हैव दियर ऑन सेल्स नोन एज लिम्फोसाइट. फिर से बोलो. अब जल्दबाजी मत कहना कि जल्दबाजी किया. याद रखना, दे आर द टू टाइप, टी सेल्स, बी सेल. टी सेल याद है? किलर सेल, सप्रेसर सेल. बी सेल याद है? बोलो, प्लाज्मा सेल, मेमोरी सेल. एक सी एम आई बनाएगी? व्हाट इज सीएमआई? सेल मीडिएटेड अच्छाई बनाएगी? बोलो, हिम्योडोम. कई लोग मुझसे पूछते हैं कि बन सर लिम्फ रहे, लिम्फोसाइट बन लिम्फ में रही हैं, काम ब्लड में कैसे करती हैं? तो हम कहते हैं ये लिम्फ एक ना एक किस में जाएगा? ब्लड में. तो बनो कहीं भी, जाओगे कहाँ? ब्लड में. ये अंदर वाला नाला है जो रोड के नीचे से चल रहा. यस और नो? यस. आगे सुनो, lymph is also important for carrier for the nutrient hormone
फैट अब्सॉर्ब थ्रू द लिम्फ इंडक्टियल प्रेजेंट इन इंटेस्टाइनल विलाई. भूल नहीं सकते हो तुम कि जब मैंने विलाई पढ़ाई थी याद है, और विलाई के नीचे से एक लिम्फ वेसल निकल रही थी, नाम बताओ लैटी, क्या ये फैट ले जा रही थी? तो क्या लिम्फ केवल एक ही काम करेगा? नो, ये इम्यूनिटी भी मेंटेन करेगा, फैट डिस्ट्रीब्यूशन करेगा. यस और नो? यस. मैं कहाँ हारा हूँ? यहाँ पर आज मैं हारा हूँ. अरे हम जानते हैं, उधर सब सो रहे हैं. अगर नहीं है तो बताओ भला. चलो अब बेटा, जो मम्मी का समय नोटबुक देखी, हार्ट से चले, आर्टरी से चले, बच्चा बचा दे रहा नहीं, बहुत दुख होगा. आर्टरी से चले, एओर्टा से आर्टरी, आर्टरियो कैपिलरी. कैपिलरी, कैपिलरी कितने प्रकार की? दो, एक आर्टरी की और एक वेन की. यहाँ प्रेशर, यहाँ फिल्टर, अब्सॉर्ब तो छूट गया. यही लिम्फ है, ये लिम्फ है. मार मार के सही कर देंगे. ऐसे क्वेश्चन गलत करवा जाते तुमसे. ये लिम्फ है कि टिश्यू फ्लूइड? टिश्यू फ्लूइड. इंटरस्टीशियल फ्लूइड है? इसी से एक्सचेंज होगा. ब्लड देगा टिश्यू फ्लूइड को, टिश्यू फ्लूइड सेल को, सेल देगी टिश्यू फ्लूइड को, टिश्यू फ्लूइड ब्लड. ब्लड और टिश्यू के बीच में इसी के द्वारा एक्सचेंज होगा. क्या आएगा टिश्यू की तरफ? ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट. क्या जाएगा? CO2 एंड नाइट्रोजन. जाएगा वाया टिश्यू फ्लूइड. पक्का? तो हर बार टिश्यू फ्लूइड घट रहा है कि बढ़ रहा है? बढ़ता रहा तो वापस लौटने वाला ब्लड घटेगा कि बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा? और ऐसा होने तो एक इलेबोरेट नेटवर्क बनाएंगे जो उन चवन्नियों को उठाएगा, फ्लूइड को उठाएगा. चालू हो जाओ. कैपिलरी लिम्फ कैपिलरी. तो कैपिलरी कितनी? 3. आर्टरी वेन लिम्फ. लिम्फ कैपिलरी है. अब बेटा लिम्फ वेसल, लिम्फ नोड. और ऐसे नोड एक की बहुत सारे. रूल दिख रहा है? राइट लेफ्ट, लेफ्ट लेफ्ट, राइट साइड ऑफ बॉडी, सॉरी लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हाफ ऑफ द हेड. चलो ऊपर से, लेफ्ट हाफ ऑफ हेड, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट बॉडी, लेफ्ट लेग, राइट लेग, मिलकर डक्ट बनाएंगे. नाम है लिम्फैटिक डक्ट. और ये ड्रेन करेगी थोरैसिक डक्ट. थोरैक्स में पाई जाने वाली थोरैसिक डक्ट. राइट की लेफ्ट? लेफ्ट. ऐसी राइट भी होगी? राइट और लेफ्ट में बड़ी कौन? लेफ्ट. छोटी कौन? राइट. दोनों थोरैसिक डक्ट जाएंगी सब क्लेवियल वेव, क्लेविकल के नीचे वेव, सब क्लेवियल वेव जाएंगी सुपीरियर वेना के. क्या हुआ वे? लिम्फ कैपिलरी, लिम्फ वेसल, लिम्फ नोड, थोरैसिक डक्ट, राइट एंड लेफ्ट, सब क्लेवियल वेव, सुपीरियर वेना. चवन्नी वही रही कि लौट आई? इसलिए टिश्यू का फ्लूइड बढ़ा नहीं. एक आया वुचेरिया वैन क्राफ्ट, लिम्फ वेसल में रुक गया. आने वाली चवन्नी आई नहीं. तो फ्लूइड बढ़ता गया, उम्र बढ़ेगी, साइज बढ़ेगा, क्योंकि लिम्फ ब्लॉक हो गया. यस और नो? नाम है एलिफेंटियासिस. और लिम्फ एक काम करेगा कि तीन, एक तो एक्सचेंज करेगा, यस, दूसरा लिम्फोसाइट रखेगा, यस और नो, और तीसरा फैट का एब्जॉर्प्शन. डेफिनेशन ऑफ लिम्फ बताओ, मजा आ जाए, बोलो. इट इज अ टिश्यू फ्लूइड व्हेन एंटर इनटू लिम्फैटिक सिस्टम, तब नाम होगा लिम्फ, उसके पहले टिश्यू फ्लूइड. यस और नो? नाउ सर्कुलेटरी पाथवे. बस नहीं हो पाएगा भाई, दस मिनट के अंदर ये टॉपिक खत्म होगा. इसमें कुछ नहीं, यकीन मानो इसमें कुछ नहीं. जो मुश्किल टॉपिक थे वो हमने खत्म किए. 10 मिनट तुम्हारा ज्यादा लेंगे सौरभ, सॉरी. आज तुम और देर से खाना खा लो बस, नहीं तो कल मेरा टॉपिक पूरा नहीं हो पाएगा. सर्कुलेटरी पाथवेज बोलते हैं. दुनिया में ब्लड वेस्कुलर सिस्टम दो प्रकार का, एक ओपन और एक क्लोज.
सर्कुलेटरी पाथवेज में चाहे किसी का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ओपन हो चाहे क्लोज हो, हार्ट इज द कॉन्स्टेंट प्रॉपर्टी। हर बंदे के पास हार्ट जरूर है, हार्ट इज द कॉन्स्टेंट प्रॉपर्टी। अगर हार्ट से चीजें निकाल करके कैविटी में डाल दी जाए, कहां डाली जाए, कैविटी, बॉडी कैविटी, हार्ट से चीजें निकालकर बॉडी कैविटी में डाल दी जाए तो हम कहेंगे हार्ट से जो ब्लड जा रहा है वो पाइप्स में जा रहा है कि कैविटी में, कैविटी। सो इफ द ब्लड फ्लो इन टू द बॉडी कैविटी इट इज नोन एज ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। बोलो क्या? ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। और ये पाया जाता है दो जगह, मैं पढ़ा चुका हूं, एक कौन, आर्थ्रोपोडा, कौन, मोलस्का। और भाइयों बहनों अगर हार्ट से निकलकर चीजें वेसल्स में चले, किसमें चले, वेसल्स, अगर वो ब्लड वेसल्स में चले तो याद रखना इस तरीके का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम क्या कहलाता, क्लोज। और ये ब्लड वेसल्स हैं दो प्रकार की, वन इज आर्टरी और दूसरा कौन, वेन। अब चौथी बार बोल रहे, जो ब्लड लेकर आए आर्टरी, जो हार्ट की तरफ लेकर आए वेन, जो हार्ट से ले जाए आर्टरी। ए फॉर आर्टरी, ए फॉर अवे, अवे फ्रॉम हार्ट आर्टरी, टुवर्ड्स हार्ट वेन। तो जो ब्लड लेकर आए वेन, सुन लो जल्दबाजी मुझे नहीं है तुम्हें है, और फिर कहोगे सर जल्दी में पढ़ाया था, मैं जल्दी में नहीं पढ़ा रहा, तुम्हारा दिमाग जल्दी चल रहा, छोड़ दो छोड़ दो, मैं नहीं छोड़ू। जो ब्लड लेकर आए कहां लेकर आए, और जो हार्ट से ले जाए आर्टरी। तो बताओ आर्टरी और वेन में अगर ब्लड बह रहा है तो बताओ ओपन की क्लोज। दो लोग हैं, एक है एनीरिया, फिर से बोलो, और दूसरा कार्डेटा। एनीरिया मतलब कौन, सांप, एनीरिया मतलब केंचुआ, और कार्डेटा मतलब वर्टिब्रेटा, और पांच लोग बोलो, फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल। बोलो ए फॉर, सॉरी एफ फॉर फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल। और इन सब के पास क्या है, हार्ट। और इसी हार्ट की प्रॉपर्टी पढ़ना है, जैसे फिश में कितना चैम्बर, कितने हार्ट है इसके पास, हार्ट ए चैम्बर। एम्फीबिया और रेप्टाइल कितना, तीन। बर्ड्स और मैमल चार। यकीन मानिए एक क्रोकोडाइल भी है, बोलो कितना, चार। और रेप्टाइल साढ़े तीन, बोलो कौन, साढ़े तीन। मुझे मालूम है तुम जल्दबाजी कर रहे हो, कुछ लोग घबरा रहे हैं, फिर से बोलो, फिश, एम्फीबिया, जब तक एनसीईआरटी कह रही रेप्टाइल भी तीन, नहीं तो साढ़े तीन, बोलो हाँ, तो बोलो दो तीन साढ़े तीन चार, बोलो मेरे साथ, दो तीन साढ़े तीन चार, बोलो दो किसके पास, फिश तीन साढ़े तीन और चार, पक्का। अब सारे लोग ये डायग्राम बनाएंगे, एनसीईआरटी में नहीं है, सारे लोग बनाएंगे, फिश अपना ब्लड ब्लड वेसल से बुलाती है बॉडी से और एट्रियम में डालती है, ए फॉर एट्रियम, एट्रियम से ब्लड वेंट्रिकल की तरफ जाता है, कहां जाता है, वेंट्रिकल, ए फॉर एट्रियम, वी फॉर वेंट्रिकल। से एक मेजर ब्लड वेसल्स निकलती है जो जाती हैं गिल्स, बोलो कौन, गिल्स, और गिल्स में ये ब्लड ऑक्सीजनेट होकर के वापस आ जाता है, सॉरी गिल्स से ये ब्लड जाता है बॉडी पार्ट्स में और बॉडी पार्ट्स को ये ब्लड दे दिया जाता है, कैसा दिया जाता है, ऑक्सीजनेटेड, कैसा वापस आता है, डीऑक्सीजनेटेड।
भाइयों बहनों एक बात तुमसे पूछूंगा, वो बता दोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि कैसा लगा। बताओ, हार्ट पे आने वाला ब्लड जाने वाला कुछ नहीं है, आने वाला जाने वाला भी गिल्स में ऑक्सीजनेट बॉडी पार्ट डी ऑक्सी सर्किट एक की दो दो हम यहां से फेंक के मारेंगे, निशाना बहुत है हमारा सही। हार्ट में ब्लड एक चक्कर में कितनी बार, एक बार, एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सिंगल सर्किट हार्ट, सिंगल सर्किट हार्ट। और ये पाया जाता है फिश में, और तुमने रट्टा मारा है फिश के पास दो चैंबर, मैंने भी बोला कितने चैंबर दो, इस पूरे का नाम एक हार्ट की दो हार्ट, एक हार्ट और चैंबर कितने दो, मरे जा रहे, ऐसा ना हो कि सर कहीं ज्यादा पढ़ा दे, सर हमको जाना है, जाओ हैं? बताओ ये फिश है, फिश की बॉडी से ब्लड आया कहाँ गया, एट्रियम, एट्रियम से वेंट्रिकल और वेंट्रिकल से वेंस आर्टरी, वेंट्रिकल से आर्टरी, आर्टरी में कहाँ गया गिल्स, तो मछलियां अपना सारा ब्लड गिल्स में भेजती हैं और गिल्स में आती एयर ऑक्सीजनेटेड होकर के कहाँ जाती है बॉडी पार्ट। ये अकेला हार्ट है जिसमें ब्लड एक बार आएगा कि दो बार, एक बार, सिंगल सर्किट की डबल सर्किट, सिंगल सर्किट और कितने चैम्बर। कुछ लोग हमसे गुस्सा जाते हैं, पहले एक बात बोलो कि ये दो चैम्बर है कि सिंगल सर्किट है, दोनों है। हार्ट में चैम्बर कितने, सर्किट कितने, एक ही बार में एक चक्कर खत्म। आओ एम्फीबिया, एक एट्रियम लेफ्ट राइट में, एक एट्रियम लेफ्ट में और दोनों एट्रियम का एक वेंट्रिकल, एट्रियम से ब्लड आ रहा। देखो बहुत सारे लोग हैं जो सुनना नहीं चाह रहे और भागना चाह रहे, तुम भागते रहो बेटा, तुम्हारा जगह कम पड़ जाएगी, हाँ भागने वालों की जगह कम पड़ जाती बाबू। बोलो, आपको लगेगा ये का बना दिया 75 जैसा। देखो, राइट एट्रियम से ब्लड आएगा बॉडी पार्ट से, राइट एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड डाला जाएगा, ठीक उसी समय लेफ्ट एट्रियम से भी ब्लड आ रहा होगा और ये भी बेटा वेंट्रिकल में डाला जाएगा। वेंट्रिकल से ये ब्लड एक साथ पंप किया जाएगा एक मेजर वेसल में, और ये मेजर वेसल दो जगह ब्लड लेके जाएगी, एक तो लेके जाएगी लंग्स, कहाँ लेके जाएगी लंग्स, और एक लेके जाएगी बॉडी, बोलो कहाँ बॉडी। याद रखना, बॉडी में जाने वाला ब्लड फिर से राइट एट्रियम में लौटेगा। तो देखो, बॉडी टू हार्ट, हार्ट टू लंग, लंग टू हार्ट, हार्ट टू बॉडी, एक सर्किट की दो सर्किट दो, पर दोनों सर्किट में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स है, क्योंकि लंग से आने वाला ब्लड ऑक्सीजनेटेड, फिर से बोलो, और यहां से आने वाला डीऑक्सीजनेटेड, और दोनों ब्लड मिक्स है, तो ये डबल सर्किट तो हुआ लेकिन कंप्लीट की इनकम्प्लीट डबल सर्किट। सर नहीं आया, आया तो बताओ कितने एट्रियम, एक राइट एट्रियम और एक लेफ्ट एट्रियम और एक वेंट्रिकल, कितने चैंबर, तीन चैंबर हैं हार्ट में, तो बताओ ये कौन है, एम्फीबिया। इन सब के बारे में लिखा है, बना नहीं है, मैंने बनाया। बताओ यहां कितना एट्रिया, कितना वेंट्रिकल, चक्कर कितना, यहां दो कैसे, मैं दिखा रहा हूं दो चक्कर, देखो बॉडी से हार्ट, यहां से बॉडी से हार्ट एक बार, बस एक बार गिल्स, यहां देखो बॉडी से हार्ट, से लंग्स, तो बॉडी से हार्ट, हार्ट से लंग, लंग से हार्ट, हार्ट से बॉडी, एक सर्किट ये और एक सर्किट ये, कितने सर्किट दो, तो डबल सर्किट, लेकिन दोनों सर्किट आपस में मिक्स, तो कंप्लीट की इनकम्प्लीट। अच्छा भाई,
यहां से ऐड हो जाएगा, यहां से एक तो अब देखो एक एट्रियम दूसरा एट्रियम एक वेंट्रिकल, लेकिन वेंट्रिकल में आधी दूर तक दीवार है, बाकी सब कुछ बेटा बाकी सब कुछ एम्फीबिया जैसा। यहां से ब्लड आया, बताओ कहां से आया होगा, ब्लॉडी से, कहां गया वेंट्रिकल, यहां से कहां आया होगा लंग से, कहां आया वेंट्रिकल, बताओ ये वाला राइट एट्रियम, ये वाला लेफ्ट एट्रियम, ये वेंट्रिकल, फिर से बोलो। बस यहां से दो ब्लड वेसल्स निकली हैं, पहले कितनी निकली थी एक, एक जाएगी लंग्स, बोलो कहां गई लंग्स, लंग्स, और एक गई बॉडी। यहां पर भी दो सर्किट हैं लेकिन वो भी मिक्स हैं, इसलिए कंप्लीट की इनकम इनकम, इसे तीन बोला गया कि साढ़े तीन, साढ़े तीन, क्यों साढ़े तीन, क्योंकि वेंट्रिकल भी आधा डिवाइडेड, ये है रेप्टाइल्स, बोलो रेप्टाइल्स, और याद रखना साढ़े तीन की बजाय एनसीईआरटी क्या लिखती है तीन। हितेन बाबू ध्यान से सुनो, रेप्टाइल में भी तीन, मैंने क्या पढ़ाया साढ़े तीन, तुम क्या लगाओगे तीन, क्योंकि एनसीईआरटी तीन, मेरा नॉलेज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना एनसीईआरटी, ओके। तो आप बताओ फेस दो चैंबर एम्फीबिया रेप्टाइल तीन चैंबर या फिर साढ़े तीन, इन दोनों में मिक्सिंग है कंप्लीट की इनकम्प्लीट इनकम। नाउ द मैमल द ग्रेट ह्यूमन, बोलो कितने चैंबर, ये वाला राइट एट्रियम, ये वाला लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, बताओ कौन सी वेना केवा, ये इंफीरियर वेना, कहां से लाई पता नहीं, बॉडी से लाई। अच्छा बताओ देखो जल्दबाजी में करो, पांच मिनट में छोड़ रहे, बॉडी से ब्लड कहां कहां से आया, सुपीरियर वेना केवा इंफीरियर, कहां आया राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से गया पल्मोनरी आर्टरी, बोलो कहां पल्मोनरी आर्टरी, एक की दो, दो एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड, वेंट्रिकल से गया यस। अच्छा पल्मोनरी आर्टरी से गया लंग्स, फिर से बोलो, और लंग्स से वापस आया, आया बोलो कौन सी वेन, पल्मोनरी वेन, फिर से बोलो पल्मोनरी वेन, मेरे को लग रहा है कि तुम जल्दबाजी में, बोलो कौन सी वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा, इसे बोलो इंफीरियर वेना केवा, कहां से लाई ये बोलो पल्मोनरी आर्टरी, कहां ले गई लंग्स। बेटा बातें नहीं, चाहे जितना आपको हार्ट आता हो पर सुनो, कहां से आया ब्लड, किसके द्वारा, सुपीरियर और इंफीरियर, कहां गया, कहां गया, कहां गया लंग्स, कौन सा पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी से वापस आया, इनका नाम पल्मोनरी वेन्स, फिर से बोलो पल्मोनरी वेन्स से ब्लड कहां आया बताओ, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से गया आर्क ऑफ एओर्टा, फिर से बोलो, और आर्क ऑफ एओर्टा ने बनाया एओर्टा, ये हार्ट के बाहर पीछे से निकली, कहां पहुंचाई बॉडी, और बॉडी से उठाया गया सुपीरियर वेना केवा, मेरे साथ चिल्लाना इंफीरियर वेना, मेरे साथ चिल्लाना बॉडी से नहीं, बॉडी से हार्ट, बॉडी से हार्ट, हार्ट से लंग, लंग से बॉडी, लंग से हार्ट, हार्ट से बॉडी, एक चक्कर की दो, और मिक्सिंग ऑफ ब्लड, इसे बोलते हैं कंप्लीट डबल सर्किट, कंप्लीट डबल सर्किट, कितने चैम्बर, फोर चैम्बर, कितने लोग, एक कौन बर्ड्स और एक मैमल, इतने में मरे जा रहे, 10 मिनट ज्यादा लिए मुंह बना रहे, बट हटाए हाँ नहीं, पहले इधर देखो फिर आगे लियो,
ये सब क्या है? बॉडी से एट्रिया, बोलो एट्रिया से वेंट्रिकल से गिल्स, गिल्स से बॉडी, चक्कर कितना ए, सिंगल कितना सिंगल, हाँ चैम्बर तो दो चैम्बर सिंगल सर्किट, मिक्सिंग की नहीं है नहीं। जिसने भी बोला नहीं, जिसने भी बोला है वो मूर्ख है। इसमें भी मिक्सिंग नहीं है, दो चैम्बर में भी मिक्सिंग नहीं है, चार चैम्बर में मिक्सिंग नहीं है, और तीन और साढ़े तीन चैम्बर में मिक्सिंग है। मैंने जिस साल में क्वेश्चन बनाया था सबने गलत किया था। हमने बोला था विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो द मिक्सिंग ऑफ ब्लड, फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, नन। लोगों ने लगाया नन, फिश क्यों? फिश में ब्लड आएगा डीऑक्सीनेटेड, जाएगा डीऑक्सीनेटेड, कभी भी ऑक्सीनेटेड ब्लड तो मिक्सिंग की बात है ही। अब इधर आओ, बॉडी से राइट एट्रियम ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीनेटेड, राइट एट्रियम से वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से लंग्स, लंग्स से हार्ट, हार्ट से बॉडी। बताओ एक सर्किट किसके बीच में? हार्ट और बॉडी, और एक सर्किट लंग्स और हार्ट, कितने सर्किट? पर दोनों मिक्स हो गए। कंप्लीट कि इनकम्प्लीट? इनकम्प्लीट, हाँ इनकम्प्लीट। अब कैसे? यही अब आओ, बॉडी से हार्ट, बॉडी से हार्ट, हार्ट से बॉडी, पक्का ना? हार्ट से लंग्स, लंग्स से हार्ट, हार्ट से लंग्स, कितने चैम्बर में कितने सर्किट? दो। मिक्सिंग हुआ कंप्लीट कि इनकम्प्लीट? तीन की साढ़े तीन, दो एट्रियम आधा डेढ़ वेंट्रिकल, दो एट्रियम एक वेंट्रिकल। अब इधर आओ, चलो बॉडी से हार्ट से लंग से हार्ट से, तो क्या बॉडी और हार्ट और हार्ट और बॉडी और बॉडी और लंग और लंग और बॉडी सबके बीच में है? सॉरी, हार्ट और बॉडी और हार्ट और लंग के बीच में है और कभी भी मिक्सिंग नहीं है? सर्किट सिंगल की डबल डबल, और याद करो इसी को बोलते थे सिस्टमिक वेन, सिस्टमिक पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन सिस्टमिक आर्टरी। तो सिस्टमिक वेन और सिस्टमिक आर्टरी, जल्दी जल्दी भागो, सिस्टमिक वेन और सिस्टमिक आर्टरी, बॉडी और हार्ट, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन, हार्ट और लंग, एक सर्किट दो। यहां से जाने के बाद तुम लोग हमसे कहते हो सर आपने जल्दी पढ़ाया था। मैं सही पढ़ा रहा हूं, तुम जल्दी में हो और तब तुम्हें लगता है कि सर ने जल्दी कर दिया, फिर आकर बोलते हो सर उस दिन आपने जल्दी में पढ़ाया था। अभी भी मेरे पास टाइम है। यस सुनो, ए बॉडी तुमको आगे, बाकी बॉडी से सिस्टमिक वेन और हार्ट से बॉडी, सिस्टमिक आर्टरी, सिस्टमिक वेन, सिस्टमिक आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, एक सर्किट दो सर्किट और कंप्लीट कि इनकम्प्लीट? इनकम्प्लीट, कंप्लीट। मिक्सिंग ऑफ ब्लड, अब चिल्ला के जाओ फिश, दो चैम्बर सिंगल सर्किट, एम्फीबियन तीन चैम्बर इनकम्प्लीट डबल सर्किट, रेप्टाइल साढ़े तीन चैम्बर इनकम्प्लीट, मैमल और बर्ड्स चार चैम्बर कंप्लीट। बाय बाय।